की कला सिखलाता है राजयोग। दुख दर्द रोगों से मुक्ति दिलाता है राजयोग। दुख दर्द रोगों से मुक्ति दिलाता है राजयोग। इंसान को सिखलाता है राजयोग। परम पिता की याद में मन को जो संतुलित करता है, परम पिता की याद में मन को जो संतुलित करता है, उनके आगे हर समस्या खेल जैसी लगती। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज प्रोग्रेस डे के निमित्त हम सबसे पहले अविनाशी सज्जन हमारे बाबा का सम्मान है, जो हम सबका सुप्रीम सर्जन है। और कभी भी हम बीमार होते हैं तो सबसे पहले हम किसको याद करते हैं? अभी तो हम उसी को याद करते हैं, है। डॉक्टर्स को नेक्स्ट टू गॉड कहते हैं कि भाई डॉक्टर भी भगवान है, लेकिन भगवान कौन है ये हमें पता है तो हम जानते हैं कि कौन है। तो डॉक्टर्स का डॉक्टर्स, क्योंकि डॉक्टर्स को भी जब तकलीफ होती है, पेशेंट ठीक नहीं होता है, अब क्या करेंगे, तो क्या बताएंगे? आईसीयू में है पेशेंट, सीरियस है, तो क्या बताएंगे आपको? भाई ऊपर वाले को याद करो, हम अपनी मेहनत कर रहे हैं, बाकी उसके ऊपर छोड़ दो, वो जो करेगा वो करेगा। तो कौन हुआ सबसे बड़ा? वही हुआ, और वही सुप्रीम सर्जन हमारा बाप भी है, टीचर भी है, और सदगुरु भी है, और साथी भी है, और खुदा दोस्त भी है। तो जो वो है हम वही हम मास्टर हैं, है ना? वो मास्टर है और वो पिता है, हम बच्चे। तो समझना कि आज जो भी हम सुनाएंगे आपको स्वास्थ्य के संबंधित कुछ बातें, जैसे घर में बैठे हो कोई बातें सुना रहे हैं, वैसी साधारण लेकिन बहुत जरूरी। कई बार ऐसी बातें होती है जो हमें पता होती है लेकिन हम उस पर इतना ध्यान नहीं देते। तो ऐसी कुछ बातें मुझे आज आपको बतानी है, क्योंकि मैंने ये भी सोचा था कि अगर आप लोगों को भी कुछ सवाल जवाब हो तो फिर ऐसा हो तो नेक्स्ट टाइम नहीं तो इस समय भी आप लिख के लास्ट में बता देना कि आपको अगर कुछ पूछना है किसी डिजीज के संबंधित या किसी भी अपनी बीमारी के संबंधित कोई सवाल हो तो बता देना, इसके लिए कुछ सवाल कुछ नहीं। अभी सबसे पहली बात ये है कि ये जो स्वास्थ्य कहते हैं, हेल्थ या स्वास्थ्य जो कहते हैं, वो स्वास्थ्य चार प्रकार का है। जब भी हमें पढ़ाते हैं तो चार प्रकार का स्वास्थ्य यहाँ रख के ही उसको ठीक करने के लिए समझाते हैं। एक है शारीरिक, एक है मानसिक, एक है सामाजिक, और चौथा आध्यात्मिक। शारीरिक स्वास्थ्य माना शरीर के संबंधित बीमारियां, मानसिक माना जो अभी बताया ना, मानसिक बीमारियां जैसे चिड़चिड़ापन है, टेंशन है, अच्छा नहीं लगता है, घबराहट होती है, डर लगता है, ये है मानसिक। फिर है सामाजिक। सामाजिक हेल्थ क्या है? हमारी किसी से नहीं बनती, हम अकेले ही रहते, अगर किससे बोलने गए तो लड़ पड़े, अकेले रहेंगे इतने बड़ी दुनिया में, अकेले रहेंगे। ये है सामाजिक स्वास्थ्य, मैं बहुत ऊपर ऊपर से बता रही हूँ। और आध्यात्मिक तो पता ही है आप लोगों को, आप सब तो आध्यात्मिक से तो हेल्दी हो ना हेल्दी। आध्यात्मिक हेल्थ क्या है? अपने को आत्मा समझ, परमात्मा को याद करना, ठीक है, और बाबा जो कहता है वो करना है। तो आध्यात्मिक हेल्दी से तो हम तैयार हैं, और कई बार हम उसमें भी लूज हो जाते हैं क्योंकि हमें शारीरिक हेल्थ क्या है वो नहीं पता।
तो जो मैंने सोचा था आप लोगों के लिए कि कुछ टिप्स ऐसी समझाऊं, कुछ बेसिक बातें हैं उसमें। सबसे पहली बात ये है कि अगर आपको कुछ होता है, सर्दी खांसी जुकाम बुखार कुछ भी होता है, पेट दर्द होता है, सर दर्द होता है, थोड़ा थोड़ा होता है तो ठीक है, बाकी थोड़ा भी ज्यादा होता है तो अपने आप को डॉक्टर नहीं बनना। पहली बात, किसी डॉक्टर के पास जाओ, जैसे धीरे समझा है आपने, फैमिली डॉक्टर के पास जाओ, उनसे सलाह मशवरा करो, वो जो दवाई दे वही खाओ। पहली बात, खुद जाके डॉक्टर नहीं बनना है, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। अभी मेरा रोज ही सर दर्द होता है, मैं वो पैरास्टामोल खा लेती हूँ ठीक हो जाता है, डोलो खा लेती हूँ, पैरास्टामोल से ठीक नहीं होता डोलो खा लेती हूँ, और डोलो से ठीक नहीं होता है तो डाइक्रो खा लेती हूँ। डाइक्रो कहाँ से आया आपको तो पता नहीं, डाइक्रो क्या है, मेडिकल स्टोर वाला दिया तो वो डाइक्रो देता है तो ठीक हो जाता है, समझा। ये इसको निकालना है, पहले खुद के खुद कोई दवाई नहीं खानी। हाँ, आधी रात को बुखार आ गया और कोई डॉक्टर नहीं है तो एक पैरास्टामोल खा के बुखार उतार देना, लेकिन इससे ज्यादा दूसरे दिन जाकर डॉक्टर को दिखा देना। ज्यादा भागना भी नहीं है, ज्यादा टेंशन भी नहीं करना है और ज्यादा इजी भी नहीं रहना है। सुबह बाबा उठाएगा ना फिर बुखार ठीक हो जाएगा, नहीं। कोरोना में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था, जब भी पेशेंट आते थे ना कोरोना के, मुझे कुछ नहीं है दीदी, मुझे थोड़ा सा डॉक्टर मुझे कुछ नहीं है, जरा सी सर्दी है, जरा सा गले में दर्द है और चौथे दिन वेंटिलेटर पे, मुझे कुछ नहीं है, चार दिन के बाद तो आएंगे, थोड़ा चार दिन से थोड़ा शरीर दर्द कर रहा था, भूख नहीं लग रही थी, थोड़ी थकान लग रही थी। अब ये थकान क्या है कोरोना की ये पता नहीं, लेकिन जिन्होंने समय पर ट्रीटमेंट की है वो सब बचे हैं। जो अंधेरे रहे इसको अंधेरापन कहते हैं, ये शारीरिक अंधेरापन। मुझे कुछ नहीं, मैंने देखा 90% पेशेंट ने आके पहला शब्द मुझे यही कहा है, मुझे कुछ नहीं है। अब नहीं है तो अच्छा है ना, आप पहले बांटो नहीं तो मैं बांटती हूँ, आपको कोरोना नहीं है तो, समझ गए। लेकिन मुझे कुछ नहीं है ये कहना सबसे डिफिकल्ट चीज है। छोटी छोटी बातें बताते हैं, जो रोज बरोज की सबकी तकलीफ है, रोज का काम करना होता है ना, खाना बनाना, झाड़ू लगाना, घर का काम करना, बाजार जाना, सब्जी लाना, ये कॉमन काम है। किसी को ऑफिस में जाना, नौकरी में जाना, मुझे जाना, सब कॉमन काम है। अपने रोज के काम में थकान, रोज घर पे आए थक गए, रोज घर पे आए थक गए, थोड़ा काम किया तो बहुत थक गए, अब किसी से बात करने की शुरुआत करेंगे ना, मैं तो बहुत थक जाती हूँ, पता नहीं कि पूरा दिन काम ही करती रहती, इतनी थकती रहती करती हूँ। अब ये क्या है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल नहीं है, ये थकान नॉर्मल नहीं है। ये पहली लाइन जो बैठी है ना, ये कॉमन है इसमें, ये तो कल्याण है ना, सारी माताएं तो उनका शरीर बिना खून के भी चलता रहता है, किसी को भी पता नहीं है कि हमारा खून कम है। अभी देखोगी ना, कैंप करोगी ना अगर हीमोग्लोबिन का, तो 90% पेशेंट को सिर्फ हीमोग्लोबिन की दवाई लिखोगी, 10% पास हो जाएंगे बिना दवाई के, समझ गए क्या। हीमोग्लोबिन क्या होता है, जो शरीर को खून, शरीर में खून की मात्रा कितनी होती है, और ज्यादातर आज माताएं बहन ही बैठी, एक ही भाई बैठे, ठीक है, बाकी तो आत्मा आत्मा सारी भाई भाई है, लेकिन शरीर में तो सारी माताएं बहने बैठी हैं, और उनका कॉमन प्रॉब्लम है कि खून जाता है लेकिन खून बढ़ता नहीं है, ये उनकी समझ में नहीं आता। मैं एक एक को समझाती हूँ, देखो ये कुमारियां आगे बैठी है, कुमारियां ना, अब उनको 11-12 साल की उम्र में, जानते हो सब पीरियड शुरू हो जाते, तो हर महीने 3-4-5 दिन खून निकल जाता है। अब जो एक कचरा है कि जो निकल जाता है, समझे, उसको वापस कैसे लाएंगे। एक महीना गया, चलो एक महीने में दूसरा खा लिया ठीक हो गया, तीसरे महीने, दूसरे महीने, चौथे महीने, 1 साल 2 साल 3 साल, अब ये साल आए कहाँ आए, 10th में आ गए, 3 साल वहाँ 10th में आ गए, 11वीं 17वीं में आ गए, और फिर पढ़ाई नहीं पढ़ती, हेडेक, इतना सरदर्द, इतना सरदर्द कि डॉक्टर का सरदर्द हो जाए, इतना सरदर्द कुमारियों का। एक कुमारी मेरे पास थी, बहुत सरदर्द, उसके फादर मुझे ये बोले, बैठे सारे पैसे वाले लोग, मैं MRI कराऊँ, मैं CT scan कराऊँ, मैंने कहा भाई तू रुकना
महीना आए इनकी गोली इसको देने दे, फिर उसका हेडेक चालू रहेगा तो जो कहेगा सैफिक करके भी सारा रिपोर्ट करा देंगे। ऐसा नहीं कि रिपोर्ट नहीं कराने, लेकिन पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट देखकर देखना है। थोड़ी दवाई से अगर हम ठीक होना शुरू, पूरे ठीक नहीं होंगे, थोड़े ठीक होंगे तो फिर ज्यादा दवाई करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। अब वो लड़की को आज तक अभी हेडेक हुआ ही, अभी भी वो महीने में 10 दिन खाती है। मेंटेनेंस डोज चलता है उसका। मेंटेनेंस डोज क्या होता है? लॉस को कवर करने का। आप घर में गेहूँ भरोगे, चोखा भरोगे, क्या कहते हो उसको, सब्जी लाओगे, अब एक हफ्ते की सब्जी लेकर आएगा कि एक महीना थोड़ी चलेगी, फिर इस घर में सब्जी नहीं है, सब्जी लाई नहीं तो कहाँ से होगी। समझते हो इतनी सिंपल बात को, मैं बहुत साधारण शब्दों में समझा रही हूँ। कोई भी ये ना कहे कि समझ नहीं आए वो हाथ उठाए, समझते हो। घर में चीज नहीं है और आप कहते हो है ही नहीं, कहाँ से होगी, लाए नहीं है। पर जब आपका लॉस हुआ है और आप उसको कवर ही नहीं कर रहे हो, फिर कंप्लेन करते रहते हो। बहुत कॉमन कंप्लेन है, एक तो कब्जिया, कॉन्स्टिपेशन जिसको कहते हैं, पेट साफ नहीं आता है, गैस बनता है, खाना ही नहीं खाना, मन ही नहीं करता, भूख ही नहीं लगती, सिर्फ ठंडा ठंडा खाना है। ये सुन लेना जिसको हो, ये मैं सिम्टम्स बोल रही हूँ, खून की कमी के बहुत चक्कर आते। सुबह उठते तो ऐसा लगता है कि जैसे आज उठना ही नहीं है, बस हो जाए, कितने चक्कर आते हैं। थोड़ा कहीं काम किया कि बहुत घबराहट हो जाती है, पहले ऐसा नहीं था। अब माताओं की बात बता रहे हैं, दूसरी लाइन। माताओं को क्या होता है, पहले ठीक होते, फिर बच्चा आया पहला, दूसरा बच्चा आया, पहला बच्चे के बाद भी समझ ही नहीं, दूसरा बच्चा आ गया, फिर दोनों को संभालने में ज़्यादा उसकी एनर्जी यूज होगी, संभालना तो पड़ेगा ना, घर के काम में दो काम तो और बढ़ गए, उनको संभालना, उनको बड़ा करना। सिर्फ सिंपल बात कि घर माता को अपने बच्चों को कम से कम एक काम तो करना है, दूध पिलाने का है ना। सभी बहने बहुत सिंपल बात बता रही, कह नहीं पहले से होते ना, माँ का स्तनपान तो कराना पड़ता है, दूध तो पिलाना पड़ता है अपना, और वो तो सबसे अच्छी बात है हमारे लिए कि भाई एक लेडी माँ, एक जो माता है उसका सबसे श्रेष्ठ गुण है। लेकिन जब बच्चा दूध पीता है तो वो अपना ले लेता है, बच्चे का जो न्यूट्रिशन होता है, जो लोह तत्व होता है, खून बढ़ना होता है, कैल्शियम होता है, विटामिन होते हैं, वो उस दूध में होते हैं, तो माता से वो बच्चे को मिल जाता है। लेकिन फिर वही बात, सब्जी लेने ही नहीं गए, समझ रहे, खुद एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। इतनी सब्जी खाई, इतनी रोटी खाई, हम खाते ही हैं, लेकिन फिर भी हमारा जो लॉस होता है उसको हमने कवर नहीं किया। इसलिए नियम ये है कि हर डिलीवर माता को, जिसकी डिलीवरी हुई, जिसको बच्चा हुआ, उसको 1.5 से 2 साल तक खून बढ़ने की दवा और कैल्शियम की गोली खानी है। इसीलिए गवर्नमेंट में अगर ममता कार्ड कभी पड़ा हो, वो ममता कार्ड मिलता है पता है, ये जो आरोग्य केंद्र में ममता कार्ड मिलता है, ममता कार्ड कभी भी किसी ने पूरा पड़ा नहीं होगा, ऑफिशियली उसमें सारी इंफॉर्मेशन है। और कोई भी नहीं समझाता, ये जो दीदी अभी बोला रहे थे ना, कोई भी डॉक्टर, मैंने किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट को नहीं देखा कि 1.5 से 2 साल तक, ये हमारी बुक में लिखा है, मैं नहीं बोल रही, बुक में लिखा है 1.5 से 2 साल तक जब तक वो दूध पीला है तब तक उसको आयरन और कैल्शियम देनी है। आप आरोग्य केंद्र में जाओगे, गवर्नमेंट का जो है ना हेल्थ सेंटर, वो फ्री नहीं देगी, सबको फ्री नहीं देते, आपको फ्री नहीं देगी, वो नियम है, देना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं लेते हैं उसकी कमी के कारण, आप देखना बच्चा 5 साल का होगा, माँ की कमर में टूट जाएगी, मुझे बहुत कमर दर्द है, मुझे पैरों में घुटने बहुत दर्द करते, आप सुनना ये सब। फिर बूढ़े ये कहेंगे कि हमें तो नहीं होता था, आपको क्यों होता है, लेकिन जो बूढ़ों ने दूध पिया वो हमें नहीं पिया, हम तो वो अमृत स्कूल का ही पीते हैं, वो नहीं पीते, जो उन्होंने किया वो नहीं कर सकते, वो इतना गुड़ खाते थे, गुड़ खाते ही इतना, हम तो गुड़ पसंद ही नहीं, आगे को तो गुड़ ही पसंद, सिंपल गुड़ कितना सस्ता मिलता है, वो कितना खाओ क्या फर्क पड़ता। हम जब छोटे थे हमारी मम्मी खाना बनाती थी,
कहती थी कि दाल में जब गुड़ मरे तो मीरा की दाल बनती है, हम तो कड़ी मीठी दाल खाते तो गुड़ वाली ही दाल खाते, जब गुड़ डालते हैं अंदर तो एक टुकड़ा अपने मुँह में डालते हैं, ऐसे गुड़ खाने करोगे, नहीं तो थाली में बच्चों को गुड़ रोटी के साथ गुड़ की रोटी घी हो या ना हो गुड़ तो खाने का। सिंपल बातें जो बचपन से हमारे गुड़ों ने हमें सिखाई वो हमने फॉलो नहीं की, इसलिए हम ऐसे हैं। आधे से ज्यादा लोग नीचे नहीं बैठ सकते है ना, चेयर चाहिए और सेंटर इतने छोटे छोटे ही पड़ जाते, कितना भी बड़ा है तो बॉडी बैलेंस बना दो, कितना बड़ा डायमंड हाउस बना दो, छोटा ही पड़ता है इसे नीचे ही बैठना पड़ता है ना, डायमंड हाउस कितना बनाया मतलब नीचे ही बैठना पड़ता है, तो नहीं बैठ सकते बेचारे क्या करें, कमर दर्द इतना है, समझते हैं ये खासकर माता बहनों के लिए ये पॉइंट मैंने सबसे पहले लिखा। इसके बाद आता है तो उसको सप्लीमेंट कैसे करना है वो सब हम समझाएंगे बाद में, जिसको जो तकलीफ होगी उस हिसाब से समझाएंगे, लेकिन ये कॉमन बातें हैं, आप अपने लिए सोच लेना कि आपको इसमें से किसकी जरूरत है और ये आपके घर वालों को किसकी जरूरत है। तीसरी बात है जो बीपी और डायबिटीज, ये दोनों सबसे बड़े दुश्मन है हमारे और इस कलयुग के राजा है, रावण राज्य के दोनों राजा हैं और भारत उसमें नंबर वन है, भारत किसी ने भी नंबर वन हो रहा ना हो लेकिन डायबिटीज और प्रेशर और हार्ट की डिजीज में नंबर, हार्ट डिजीज में भी नहीं लेकिन डायबिटीज में तो हम श्रुति तो पूछना ही मत, श्रुतियों की तो बात ही नहीं हो सकती, ये तो बीपी सचिन में रहते हो तो आप सूरत में रहते हो ना, कोई घर बिना डायबिटीज का नहीं, कोई घर नहीं, देखना ये हमारा नहीं होगा तो हमारे रिलेटिव क्या होगा, किसी ना किसी को तो होगा ही डायबिटीज। और डायबिटीज में जो नियम है वो सबसे पहला नियम ये है कि अगर मेरे घर में फैमिली में किसी को भी डायबिटीज था, मैं बस छोटी हूँ, मेरे बाबा को था, दादा दादी को था या नाना नानी को था, बोले मेरी मम्मी को नहीं है लेकिन मेरे नाना नानी को था, मेरे मामा को है, समझदार रिलेशन समझना, तो मुझे साल में एक बार ब्लड शुगर चेक करानी है, एक सुबह खाली पेट और दूसरी खाने के दो घंटे बाद, 100 रुपये का टेस्ट है ये, 50 रुपये में सुबह का 50 रुपये में दोपहर का, 100 ही रुपया लगता है, लेकिन डायबिटीज हर साल में एक बार जिसकी फैमिली हिस्ट्री है उसको साल में एक बार जरूर कराना है। अब आप जब बीमार होते हो, आपको कोई भी और बीमारी है, कमर दर्द है, पैर दर्द है, कोई भी सामान्य कुछ भी है, बुखार थोड़ा सा आ गया, तो आपके डॉक्टर के पास जब जाओ तो डॉक्टर को रिक्वेस्ट करना, डॉक्टर साहब प्लीज जरा मेरा बीपी चेक कर लेना, डॉक्टर्स को ऑर्डर नहीं करना, वो बहुत बिजी होते हैं ना तो चिढ़ जाते हैं, फिर डॉक्टर अच्छा नहीं, ऐसा नहीं है, डॉक्टर साहब मेरे मम्मी को बीपी था, मेरे पापा को तो पैरालिसिस हो गया था, मैं तो बोलती हूँ ध्यान से याद रखना, मेरे पापा को तो पैरालिसिस हो गया, मेरे चाचा तो नौकरी से निकले घर पे पहुंचे उससे पहले ही चले गए माना कुछ नहीं था, चले गए, समझते हो, चल बसे आत्मा निकल गई शरीर से बिना कारण बिना पूछे, कुछ भी नहीं हो ना डॉक्टर ना हॉस्पिटल ना रिलेटिव्स कोई नहीं चाहिए, ये जो फैमिली हिस्ट्री है मैं फैमिली हिस्ट्री बता रही हूँ, समझते हो, फैमिली हिस्ट्री माना पारिवारिक समस्याएं जो है उसमें डायबिटीज प्रेशर थायराइड और कैंसर और टीबी ये पारिवारिक समस्या में है, और ये सारे डिजीज ऐसे हैं जिसको हम समय पर जांच कर ले तो उसके कॉम्प्लिकेशन से हम बच सकते हैं, माना उसके जो उससे ज्यादा उससे प्रॉब्लम होती है उससे हम बच सकते हैं, कॉम्प्लिकेशन समझते हो उसके कारण जो बड़े लोग होते हैं, एग्जाम्पल देती हूँ, अगर बीपी आपको लॉन्ग टर्म तक लंबे समय तक आपको पता ही नहीं कि आपको बीपी है और अचानक से एक दिन सुबह उठे तो आपका हाथ उठे ही नहीं, हाथ इधर से इधर ही ना हो, पैर ही ना उठे, क्या हो गया, समझ गए, लकवा मार गया, कहते हैं लकवा मार गया बेचारे को नींद में, कोई नींद में नहीं मार गया, बीपी था बहुत सारा, पकड़ना झगड़ा हुआ होगा और बढ़ गया होगा,
किसी बात का टेंशन आ गया तो और बढ़ गया होगा, तो मगज में नस जो है वो फट गई होगी या उसमें क्लॉट हो गया होगा। जो मस्तिष्क में जो ब्लड जो नाक से खून की जो नदियाँ होती है जो मस्तिष्क को खून देती है, या तो वो नदियाँ एक फट गई होगी उसको हेमरेज कहते हैं, और अगर उसमें क्लॉट हो जाता है माना गांठन हो जाती है खून जम जाता है उसमें, तो अगर इधर का जम गया तो इधर का पैरालिसिस हो जाएगा, इधर जम गया तो इधर का पैरालिसिस हो जाएगा। हमने देखा है बहुत साल तक हॉस्पिटल में जॉब की है, लोग सीधा पैरालिसिस के साथ ही आते हैं। अब उसको पूछते भाई इसको प्रेशर था, कोई दवाई चल रही थी? ना मुझे तो कभी प्रेशर हुआ ही नहीं, कभी अल्ट्रासाउंड चेक कराया था, जरूरत ही नहीं पड़ी कभी चेक कराए, और जब कराया नहीं तो पता कैसे कि आपको है कि नहीं है। समझ गए इस बात को, इसलिए रेगुलर बीपी चेकअप कराना है। समझ गए क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, किसी का बर्निंग है? रेगुलर बीपी चेकअप कराना है। अगर भगवान करे आपको बीमारी ना हो, फिर भी अगर आप चलो कभी बीमारी नहीं रही, साल में एक बीमारी नहीं हो, कुछ सर्दी जुकाम आता भी नहीं, दर्द किया कभी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं, अच्छा है कुछ नहीं हुआ, फिर भी जाओ कैबिनेट डॉक्टर को गोली लेकर आओ और उसको बोलो मैं जरा बीपी चेक कराओ, आपका जो चार्ज है वो ले लो लेकिन मेरा बीपी चेक करो, ऐसे ही मैं चेक करा गया ही बस, कुछ होता नहीं, कभी मन करता है कभी मन करता है कि डॉक्टर के पास जाए? नहीं, डॉक्टर के पास कब जाएगा, वो डॉक्टर तो सुई लगा देता है, कुछ नहीं करता है। बीपी चेक कराना जरूरी है, 40 साल की उम्र के बाद हर 2-3 मास में एक बार बीपी चेक कराना है, आपकी फैमिली में हिस्ट्री हो या ना हो। अब मैंने बोला कि वो मेरा काका चल बसा रास्ते नहीं, ऑफिस से घर तक नहीं पहुंचा, ये क्या है अचानक मृत्यु? बाबा मुरली में बोलते रहते ना, वो सबको आता है पॉइंट सभी को, है ना, अचानक मृत्यु, अकाले मृत्यु, वो सारी बातें हैं, लेकिन वो अचानक मृत्यु क्या है वो भी बच सकते हैं। एक स्टूडेंट आया था ब्रह्मा कुमारी में बालाजी रोड सेक्टर पे, तो स्वामी मैंने बुलाया, शिल्पा मैम को बुलाओ, इसको पता नहीं ये क्या बोल रहा है, क्योंकि किसी डॉक्टर ने उसको ब्रह्मा कुमारी में भेजा था, वही डॉक्टर जो अभी आए थे हमारे प्रोग्राम में, वहाँ जो अभी होली पहले से प्रोग्राम नहीं होता महिलाओं का सम्मान वाला, उसमें भी वो डॉक्टर आया था, तो उसके पास वो पेशेंट आया, उसने उसकी फैमिली में हिस्ट्री है, उसके पापा सडन डेथ अचानक, सुनना अभी, उसके पापा अचानक मृत्यु, उसका काका भी अचानक मृत्यु, उसका भाई भी गया, छोटा भाई भी गया, बड़ा भाई भी गया, वो बीच में रहा अकेला। अब उसको डर लगने लगा, वो डॉक्टर के पास जाने लगा, भाई ये सब बंद क्यों रहे हैं, हार्ट अटैक है, सारे हार्ट अटैक थे, और सारे बिना ट्रीटमेंट किए बिना हॉस्पिटल गए, या उसने पहुंचे होंगे और तुरंत गए होंगे, तो कोई ट्रीटमेंट ऐसा नहीं कि पैसे नहीं थे उनके पास, लेकिन खुद तो करा सकते हैं ट्रीटमेंट। तो वो उस डॉक्टर के पास गया, उसने कहा मेरे फैमिली में ऐसा है, मुझे तो बहुत डर लगता है कि मैं भी ऐसे ना चला जाऊँ, तो उस डॉक्टर को हमारे कॉन्टेक्ट में था पहले से, तो उसने कहा ब्रह्मा कुमार सेंटर पे जाओ, हॉस्पिटल के बाजू में ही है सुरेंद्र हॉस्पिटल, तो बालाजी रोड सेवा केंद्र, तो वो आया वहाँ पे, वो डॉक्टर को एक भाई ने अटेंड किया, फिर मुझे बोला कि आप अटेंड करो, तो मैंने उसको हमारा कॉर्नरी आर्टरी डिजीज जो हमारा डॉक्टर सतीश गुप्ता का प्रोजेक्ट है, ब्रह्मा कुमार इसका खुद का प्रोजेक्ट है कैड का, तो वो मैंने थोड़ा बेसिक समझाया उसको, फिर उसको कहा तुम कोर्स कर लो भाई, उसने कोर्स किया और वो रेगुलर स्टूडेंट बना, आप भी जानते हो उनको, अभी भी शरीर छोड़ा है लेकिन बहुत साथी से छोड़ा है, लेकिन बहुत अच्छे से बहुत सालों तक जिया, पेपर भी उसके बहुत आए लेकिन शारीरिक नहीं आए, दवाई खाता रहा बीपी की जो दवाई उसको देते थे वो रेगुलर खाता था, लेकिन अचानक मृत्यु की हिस्ट्री, ये आपको कभी समझ में नहीं आएगा कि अचानक क्यों चला गया। अब मरने के बाद तो मृत्यु प्रवचन ही करते हैं, है ना, शांति प्रवचन करते हैं, लेकिन हम न जाए ऐसे उसके लिए मुझे क्या करना है, तो समझ गए, बीपी 2-3 मास में एक बार, आपको प्रॉब्लम हो या ना हो, 40 साल के ऊपर खून की जांच अगर सक्रांत हो तो सिर्फ हीमोग्लोबिन की जांच, वो भी 50-100 रुपये में हो जाती है, और आरोग्य केंद्र वाले तो फ्री में करते हैं, ठीक है, खून की जांच,
तीसरी बात हुई डायबिटीज, जो किसी की फैमिली में है या डायबिटीज के सिम्टम्स, डायबिटीज का बताती हूँ सिम्टम्स। अचानक से किसी का बहुत वजन कम होने लगा, अच्छा भला व्यक्ति एकदम से सूखने लगा, एक किलो, दो किलो, तीन किलो करके छः छः किलो, दस दस किलो वजन कम हो गया। अब ये जो वेट लॉस है ना, एक तो अच्छी बात है ना, कोई मोटापा ठीक हो जाता है, अच्छी बात है, बिना कारण मोटापा ठीक हो जाए, बिना कारण मोटापा ठीक नहीं होता है। उसके तीन डिजीज होते हैं कॉमन, डायबिटीज, थायरॉयड। थायरॉयड में या तो वजन बहुत बढ़ जाता है या तो वजन एकदम लकड़ी जैसा हो जाता है, धुंधले लगता है, बिना दारू पिए, जैसे दारू पीने वाले धुंधले हैं ऐसे, आप पकड़ देते गुलाब भी नहीं पकड़ सकते, चाय का गिर जाएगी। वैसे थायरॉयड के पेशेंट को ऐसे थायरॉयड का स्त्राव बढ़ जाता है, थायरॉयड का स्त्राव कम हो जाता है तो आप स्लो हो जाते हैं, स्लो हो जाते हैं माना सारे काम धीरे धीरे करेंगे, आपका फिजिकल काम भी आप थक जाएंगे बार बार, कभी यहाँ दर्द हुआ, कभी यहाँ दर्द हुआ, कभी यहाँ दर्द हुआ, हर जगह स्नायु में दर्द होता रहेगा, आपको समझ ही नहीं आएगा। कभी कोई कहते हैं गुजराती में कहते हैं फरतोवा, वो फरतोवा नहीं होता है, वो कई कई स्नायु में दर्द होते रहते हैं, फूल जाता है शरीर, मुँह एकदम बड़ा हो जाता है, सुबह सुबह उठो तो आँखों में जाते हैं बादल आ रहे हैं, मतलब आँखें सूज गई है, पानी बन गए हो जैसे, यहाँ पे हाथों में जो अंगूठी पहनते हैं वो अंगूठी टाइट हो जाती है सिर्फ सुबह, फिर दिन भर में ठीक हो जाती है। ये छोटे छोटे सिम्टम्स है थायरॉयड, उस समय अगर वो तो थायरॉयड को आपको चेक कराना चाहिए। वो हाइपोथायरॉयडिज्म माना थायरॉयड का स्त्राव कम होता है तो फूल जाते हैं, मतलब मोटे हो जाते हैं, और थायरॉयड का स्त्राव अगर बढ़ जाता है तो हार्ट एकदम जोर से, और जैसे आपको आपके सारे हार्ट बीट आपको सुनाई देगी, आपकी धड़कन आपको सुनाई देगी, वैसे एनीमिया में जैसे खून कम होता है तो भी आपको आपकी धड़कन सुनाई देगी, ये जो सारे सिम्टम्स है वो भी अलर्ट करने के लिए है कि आपको डॉक्टर के पास जाना है, खुद थायराइड चेक कराने नहीं जाना है, डॉक्टर को जो लगेगा वही वो करेगा, क्योंकि उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें होती है जो डॉक्टर आपको देखकर बताता है, समझिए। फिर प्रेशर आ गया, डायबिटीज आ गया, थायराइड आ गया, खून की कमी आ गई, ये तो सारे डिजीज आ गए, लेकिन अब उससे बड़े डिजीज में जाएंगे जो भारत देश का कॉमन डिजीज है। जैसे कहते हैं कि अगर किसी मास में आप जाते हो, बहुत लोग जहाँ बैठते हैं वहाँ टीवी बहुत इजीली फैल जाता है, अभी कोरोना तो नया नया है इसलिए कोरोना में हम मास्क पहनते हैं, फिर भी हम लूज है, कोरोना में भी मास्क पहनने में हम सब लूज है, ठीक है ना, मास्क पहनना ही है। अगर आप सोशल डिस्टेंस से नहीं बैठे हो तो क्लास में भी बिना मास्क के नहीं बैठ सकते। अगर ये कोरोना का थैंक्स है, कोरोना को थैंक्स देते हैं हम, क्योंकि कई लोगों को सर्दी खांसी जुकाम होते हैं, अब तो भागते हैं भाई मुझे कोरोना ना हो जाए, और पैसे नहीं होते तो फटाफट तो सिविल हॉस्पिटल में, इस हेल्थ सेंटर में चले जाते हैं, उनके पास टीवी की जांच तुरंत हो जाती है, उनको डाउट पड़ता है कि ये कोरोना नहीं, चलो कोरोना तो रैपिड टेस्ट कर दिया, PCR कर दिया, नॉर्मल है, लेकिन खांसी तो ठीक नहीं हो रही है। एक महीने से ज़्यादा अगर आपको खांसी आती है तो इंडिया में, भारत देश में सबसे पहला कारण टीबी है भारत देश में। क्यों? क्योंकि हम हमेशा भीड़ में रहते हैं, हमारे घर छोटे छोटे, हम मोहल्ले में रहते हैं या अपार्टमेंट्स में रहते हैं। अब टीबी ओपन कॉक्स कहते हैं उसको, ओपन कॉक्स माना क्या, कॉक्स माना टीबी, टीबी का दूसरा नाम जिस जो साइंटिस्ट ने ढूंढा था उसके नाम से उसको कॉक्स कहते हैं। जो ओपन टीबी होता है माना कि आप जैसे ही आप खांसोगे, एक खांसी आई आपको और मुझे टीबी है, मेरे फेफड़े में छेद है टीबी का, और टीबी का छेद में से हजारों टीबी के जर्म्स फैलेंगे और आप मेरे सामने खड़े हो,
और आप में ताकत कम है माना, अभी की बात सारे इम्यूनिटी कम है, अभी है ना इम्यूनिटी बूस्टर चल रहा है सारा, तो इम्यूनिटी कम है, आप ठीक से खाते नहीं हो, आपका खून कम है, आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, तो मुझे हुआ है आपको नहीं हुआ, लेकिन कुछ दिनों के बाद अगर आपको खांसी शुरू हो जाती है, यानी आप में वो टीबी मैंने आपको गिफ्ट में दे दिया, समझिए मास्क का इम्पोर्टेंस वर्षों से था, लेकिन कोई यूज नहीं करता, अगर मास्क रेगुलर पहले से पहने होते तो इतने टीबी के केस नहीं होते, आप जाओ ना टीबी हॉस्पिटल में तो खड़े नहीं रह पाओ, देख कर टीबी पेशेंट की हॉस्पिटल में जाओगे ना तो आकर खाना नहीं खाओगे, मौत को देखा नहीं आपने इतने नजदीक से, अभी कोरोना में देख सामने सभी ने देख लिया संबंध क्या है मौत क्या है, लेकिन हमने तो वर्षों से देखा टीबी के पेशेंट, और टीबी सिर्फ फेफड़ों का नहीं होता है, टीबी इधर से उधर तक हर एक का होता है, शुरुआत फेफड़े से होती है, कभी खून से होती है, खून का टीबी होता है तो गांठें हो जाती है, अब ये छोटी सी गांठ है पता नहीं निकल आई है, वो तो वीकनेस की गांठ होती है सबको, है ना कहते ना अशक्ति की गांठ है, वो अशक्ति की गांठ नहीं होती, उसको जांच कराना ही पड़ता है, समझ गए उसको, वो टीबी हमारा कॉमन है, तो टीबी की कैसे कैसे होता है, एक फेफड़े में होता है, आपको खाना भूख नहीं लगती है, रोज शाम को बुखार आता है, थोड़ा थोड़ा बुखार, इतना बुखार नहीं क्या डॉक्टर के पास जाओ, रोज शाम को आपको लगता है खाना नहीं खाना है, फिर अच्छा नहीं लगता है मैं सो जाता हूँ, और भूख कम हो जाती है, धीरे धीरे भूख कम होती है, थोड़ी खांसी आती है, वीकनेस लगती है, कुछ काम करने को मन नहीं करता है, तो ये जाँच होना जरूरी है, जरूरी नहीं कि सबको टीबी होगा, लेकिन जाँच कराना जरूरी, ठीक है। दूसरा टीबी जो कई लोग बैठे रहते हैं, कई बार टीबी की दवाइयाँ, तो दवाइयों की बात कर रहे थे ना अभी, उस कैंप में ये बात मैंने उनसे बहुत अच्छे से बताई, क्योंकि जो कैंप हमने किया था होली पैलेस में किया था, तो ऑर्थोपेडिक का कैंप, लेकिन मैं बैठी थी साथ में पेशेंट देखने के लिए, क्योंकि बहुत पेशेंट थे, तो बहुत पेशेंट जिसमें सबको ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम नहीं थे, उनको जब मैंने देखा सबके बीपी चेक किए लगभग ऑलमोस्ट, बहुतों के बीपी आए, कई लोग डायबिटीज की दवाई खाते ही नहीं है, कई लोगों ने जोड़ों के दर्द में या कोई गांठिया बामी इतने डॉक्टर्स को दिखाया है कि उनको खुद को पता नहीं कि वो क्या दवाई खाएंगे, ऐसे ऐसे पेशेंट में देखे, तो मैंने उनको बोला कि ये ब्राह्मणों की हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट है और इनको अवेयर करना, इनको जागरूक करना बहुत जरूरी है, ब्रह्मा कुमारी इसका जो विंग्स बने हैं ना, सबको पता है ना विंग्स के हिसाब से हम सेवा करते हैं, जैसे मीडिया विंग है, सोशल विंग है, महिला विंग है, जैसे हमारी मेडिकल विंग है, अलग अलग विंग के हिसाब से हम अलग अलग सेवा करते हैं, और हमारी हर साल एनुअल मीटिंग होती है, अभी भी हुई है 2 साल से, बाकी तो हम करते हैं, अभी भी हुई है, जूम पे मीटिंग होती है कि क्या से सेवा का प्लान करना है, उनमें सबसे पहली बात यही होती है कि ब्राह्मणों की हेल्थ को कैसे बचाया जाए, आपको पता है डॉक्टर श्रीमंत साहू आए थे, इन्होंने वो डायबिटीज अटेंड किया था, डॉक्टर श्रीमंत साहू आए थे, मैंने उस हॉल में किया था पुलिस स्टेशन के बाजू में, वो डायबिटीज का पूरा कैंप हुआ था हमारा, 2 या 3 दिन का, क्यों हुआ थे? क्योंकि उन्होंने देखा कि बहुत कॉमन है ब्राह्मणों में, क्योंकि हमें टोली तो बस खानी ही है, बाबा की है तो खानी ही है, ऐसा नहीं होता है, अपनी हेल्थ के हिसाब से आपको जो खाना है वो थोड़ा सा खाना है, ज्यादा नहीं खाना है, और हो सके तो स्वीट जरा भी नहीं खाना है, शुगर जिसको है उसको तो शुगर खानी ही है, फिर चाय में पी ली, अभी मैं सच बताऊँ आपको ये बात याद आ गई मुझे वापस, कि अभी अभी एक क्योंकि प्रैक्टिकल बातों से फर्क पड़ता है, आपको भाषण देने का कोई मतलब नहीं, अभी एक डायबिटीज का पेशेंट आया था 2-3 दिन पहले, उसकी वाइफ मेरी हॉस्पिटल में नर्स थी पहले, तो वो मेरे पास ही आती है, क्योंकि तो किसी ने बोला कि इसको तो बहुत प्रॉब्लम है, आप किसी डॉक्टर को दिखाओ बड़े को, तो कहते मैं सिर्फ इनको पूछती हूँ पहले फिर जाती हूँ, उसको आँख में दिखना कम हो गया, वो क्या काम करता है, उसका हस्बैंड ड्राइवर है और ड्राइविंग करता है किसी कंपनी में, किसी भाई का, सुबह से शाम तक ड्राइविंग ही करने का उसको, और कोई काम नहीं आता है, और उसको एक आँख में कम दिखाई देता है,
अभी उसको लाइसेंस मिलेगा नहीं मिलेगा? वो गाड़ी चला रहा है, लाइसेंस देने वाले दो नंबर पे जाकर लेकर आते हैं, लेकिन क्या उसको दिखाई देगा? तो उसको कम दिखाई देने लगा वो आई, तो पहले आई चेकअप कराने के लिए आपके डॉक्टर को दिखा, उसके तो डायबिटीज के कारण है, तो डायबिटीज चेक कराया तो टोटल भी अनकंट्रोल 300-400 आ गया। मैंने कहा तुमने दवाई का क्या किया? मैं तो खाता हूँ, दवाई खाता है, चलो मैंने लिखी थी वो खाता हूँ, लेकिन चाय चाय तो मेरे को आदत है, मैं ड्राइविंग करता हूँ, 7-8 बार चाय पी लेता हूँ, अब बाहर बहुत पिलाएगा आपको बिना शक्कर की चाय, और घर में कभी कोई चाय शक्कर मत डालना, शक्कर मत डालना, और घर वाले के चाय अलग बनाएंगे, बिना शक्कर की चाय, बिना शक्कर वाली चाय, बिना शक्कर की गोली, सब कुछ बनाएंगे। अब तो मिलता है शुगर फ्री भी मिलता है पाउडर, उसकी भी मिठाइयाँ बनाएंगे, घर ही खाएंगे तो शुगर फ्री की खाएंगे, और वो बाहर जाके वो डांट बात चाय पी के आता है, अब क्या होगा? आपका प्रोफेशन ही आपका दुश्मन बन गया, आपको आपको कुछ आता नहीं, अब कुछ नया सीखो, आपकी जगह हर जगह पड़ती है। मैंने उसको बोला बैठ, उसको बोल दिया सीधा, जब जब ये है ना मेरा कूड़ा कूड़ी चित्र है, जानते हैं सारे लोग जो मेरे पेशेंट है ना, बहुत अच्छे से जानते हैं, आप बनोगे तो बदल जाओगे, सीधा कह दिया, सीधे सब हो गए। अगर 6 मास में चाय पीना बंद नहीं किया तो एक आम चली जाएगी, और तीसरे 6 मास में दूसरी चली जाएगी, बहुत मैंने कर देखू। ये डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन है जो मैं शुरू में बोल रही थी कि कॉम्प्लिकेशन माना डायबिटीज के कारण दूसरे अंगों को क्या नुकसान होता है। डायबिटीज इधर से नीचे तक माथे से पैर तक परेशान करता है, किसी को नहीं छोड़ता हूँ, डायबिटीज वाले कभी मरते नहीं जल्दी, उनको हार्ट अटैक जल्दी नहीं आता कि हार्ट अटैक आया मर गया, ऐसा नहीं होता, उनको हार्ट अटैक ही पता नहीं चलता क्योंकि उनको कभी दर्द नहीं होता। डायबिटीज के पेशेंट को अगर हार्ट अटैक आता है तो जैसे हार्ट अटैक का पेशेंट देखा है ना आपने पिक्चर में, वो जोर से बहुत छाती में दर्द होगा, किसी को सुना भी होगा, इतना दर्द होता है हार्ट में कि आप रुक ही नहीं सकते बिना डॉक्टर के, इतना हार्ट अटैक का दर्द होता है, और डायबिटीज के पेशेंट को होता ही नहीं है, क्योंकि उसके सारे जो दर्द होने के जो तंतु होते हैं ना, ज्ञान तंतु, शरीर के जो नर्व्स कहते हैं इंग्लिश में, वो मर जाती है। तो ज्ञान तंतु मरने के कारण कहीं भी दर्द पता नहीं चलेगा, अब उसके वो अंगारे वाले जो होते हैं वो अंगारे पर चलने वाले नहीं होते, अंगारे पर चला देगा डायबिटीज कंट्रोल में नहीं होगा, अंगारे पर चल के आ जाएगा पैर जला के आ जाएगा तो पता नहीं चलेगा। आप देखेंगे ना सुबह, भाई तुम्हारे पैर को क्या हो गया, जल कैसे गए? मुझे कुछ नहीं होता है, मुझे कोई जला वाला पता नहीं चलता, उसको सुई लगाओ या अंगारे पर चला दो पता नहीं चलता है, क्यों? ज्ञान तत्व मर गए, किसको? डायबिटीज जो कंट्रोल में नहीं होता है, जो खाते रहते हैं टोलियां खाएंगे चाय पियेंगे, किसी को मिले तो खा लिया, वो नहीं करना है। ज्ञान तंतु बन जाते हैं पहला सिम्टम, तो धीरे धीरे पता चलता है कि हमारे ज्ञान तंतु यानी खाली चढ़ते जैसे कहते हैं ना, खाली खाली लगता है, झटके में तो फिर ठीक होता है, पैरों में खाली चढ़ जाती है, हाथों में खाली चढ़ जाती है, सभी लगभग सभी माताओं को होता है। वो पेशेंट डॉक्टर के पास नहीं जा रहा, उसमें क्या, वो तो होता है हर एक को होता है, तो मुझे भी होता है, उसमें क्या, ऐसा नहीं है। उसका पहला सिर्फ उसका पहला कारण अभी के समय में डायबिटीज आपको नहीं है, पहला कारण बी12 डेफिशिएंसी, विटामिन बी12 की कमी होती है तो ये झुनझुनाहट होती रहती है सबको, और पता नहीं थाली पकड़ेंगे अब आधा घंटा थाली पकड़ के रखेंगे या चमचा, किसी में बहुत ज़्यादा हिलाने का काम है हमारा, यदि इसको हिलाया बगैर नहीं चलेगा, जैसे हम सीरा बनाते हैं हलवा बनाते हैं, हिलाया बगैर नहीं चलेगा तो जल जाएगा, हिलाना तो पड़ेगा, हिलाते हाथ है कि नहीं ये नहीं पता चलेगा, ऐसा होता है, ये बहुत कॉमन बातें हैं, है ना? तो लेकिन वो कुछ ठीक हो जाता है ना, छोड़ देते हैं सीधा कर देते हैं तो ठीक हो जाता है। तो ये जो चुनचुना है वो सारे ज्ञान तंतु की है, तो वो भी एक प्रॉब्लम है, लेकिन उसमें कई बार पेशेंट हमारे पास आते हैं कि हमारे पैरों में बहुत चुनचुना है। एक पेशेंट था अभी बात है, बहुत जलन, जैसे पैरों में अंगारे रखते इतनी जलन होती है, पैर नीचे ही नहीं रख सकते, एक ही सिम्टम पूरी रात नींद ना, अब आपको तो पैरों में जलन होती है ना,
आप सो ही नहीं पाओगे, कितनी भी नींद की गोलियां खा लो, वो जलन आपको सोने नहीं देगी, इतनी जलन होती है। मैंने कहा इतनी जलन क्यों होती है, कुछ तो है नहीं पैर में ना, कुछ काटा वाटा कुछ नहीं है, कैसे जो है पकावा नहीं पड़ जाते, वो कट जाता है पैर ठंडी में, वो कुछ नहीं है। डायबिटीज चेक किया 500, वो आज का नहीं है, ये डायबिटीज आज का नहीं है, आज नहीं हुआ है, तो कम से कम 4-5 साल हो गए, 4-5 साल में वो ज्ञान पद्धति को ले जाता है, फिर उसकी दवाई खाने में तकलीफ होती कि हम तो अपनी दवाई खाई नहीं। ये ऐसी बातें हैं जो आपको कभी कोई नहीं बताएगा, उनकी जो बहुत अच्छी भावना थी इसलिए मैंने पूरा सोचा कि मैं इनको क्या क्या, वो मेरा रूटीन है, उनको बोला आपको कुछ नहीं करना है, आपका रूटीन है, उनको उनको पता है कि ये मेरा रूटीन है, कि मैं सबको समझाती हूँ ये सारी बातें। डायबिटीज में एक तो मैंने कहा पैर कि सेंसेशन चले जाते हैं, माना नवज्ञान तत्व चले जाते हैं, अभी उसमें आपको खीरी लग गई, कभी लग जाती है अपनी चप्पल की खीरी लग जाती है, कभी रास्ते में खीरी लग गई आपको लगा सब छोटी सी खीरी लग गई क्या है, लेकिन वो खीरी आपका पाँव लेकर जाती है, अगर आपको डायबिटीज पाँव कटेगा ही कटेगा, अगर कंट्रोल में नहीं है वो पक्का, तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और एक्सीडेंट किसी का कभी भी हो सकता है, अब कभी भी कोई गिर सकता है, तो थोड़ा सा तो लग जाएगा, छिलक तो जाएगा, ज्यादा नहीं लगेगा तो वो भी यूज नहीं आएगी, तब पता डॉक्टर के डायबिटीज चेक करो। ऐसे ही हुआ था एक पेशेंट, सारे पेशेंट याद आते हैं अभी आपसे बात करते करते, इतना बड़ा कि बाजू में से उसके पैर से कार चली गई, पता नहीं क्या चला गया, दूसरा मंडा चला गया शायद, और इतना बड़ा घाव पैर में, सारे मसल दिखे नीचे से, और वो कह रहे जाओ ही नहीं डॉक्टर के पास, दूसरे आपको जो करना है करो, मैं इसका ड्रेसिंग कब करूंगी मैं, कि कराया उसे मेरे से नहीं माना, डायबिटीज उसी दिन रास्ते में सो कहीं और चला गया था, कोई लेकर कहीं चला गया, तो वहां जहां गया उस डॉक्टर ने पहला काम डायबिटीज चेक करने का, पहले खून बंद नहीं किया, मैंने डायबिटीज चेक, समझते हो कितना इम्पोर्टेंट है ये बात, उसी दिन पता चला कि उसको डायबिटीज है और उसका एक्सीडेंट। 3 मास तक तो मैंने ड्रेसिंग किया, पैर तो बच गया, 3 मास तक ड्रेसिंग किया मैंने, इतना तो खाप खून खाप खून किया होगा, और फिर उसने खुद थोड़ा खुद ही किया विकास में, क्योंकि मेरे को थक गया, मेरे को पैसे देते नहीं सकते हैं और मुझे बस आते आते नहीं सकते हैं, ऐसे कम नहीं थे उसके पास कि दिमाग ऐसा होता है ना कहीं होता, लेकिन डायबिटीज उसका आज भी कंट्रोल में है, उस दिन से मैंने उसको बोला है डाक के अच्छे से, जब आप बैठो तो तब अच्छे से समझाएंगे, क्योंकि अगर आपको समझ नहीं है ना तभी आप गड़बड़ करते, अगर आपको पता है कि यहाँ से चलते यहाँ खड्डा है, बाजू वाले ने बोला है कि देखो आपके घर के पास थोड़ी सी नजदीक में खड्डा है आप देख के चलना, कि वो बोलती रहती है कुछ खड्डा नहीं है तो गिरोगे ना, गिरोगे ना, तो उधर बोल रहा है डॉक्टर कि डायबिटीज कंट्रोल में नहीं होगा तो आपको पैर की बहुत केयर करनी पड़ेगी, कहीं लगे नहीं, लगे तो तुरंत ट्रीटमेंट करानी पड़ेगी, आपको आंखों की जांच हर साल में एक बार करानी है, आंखों की जांच उसको रटाइना कहते हैं, अंधापन आ जाता है क्योंकि रटाइना आपके ऊपर खून जम जाता है, आपने सारी बातें सुनी होगी, जैसे ट्रीटमेंट कराने बार बार चले जाते हैं, फिर आपको किडनी फेल हो जाती है, डायबिटीज में किडनी फेल हो जाती है अगर कंट्रोल में नहीं है तो आपको किडनी के डायलिसिस पे जाएगा, पहले ट्रीटमेंट चलेगी, तुरंत डायलिसिस नहीं आता है, डायबिटीज में डायलिसिस तुरंत नहीं आता है, अगर आप केयर नहीं करोगे तो किडनी जाएगी, और वो दोनों जाती है इसलिए उसमें चेंज करने की बात नहीं है कि दूसरी किडनी डाल दे वो नहीं आता उसमें, ये बातें अलग है, किडनी किसी की एक खराब हो उसको बदले में बात अलग है, और किसी रोग के शरीर में कोई डिजीज है आपको कोई रोग है उसके कारण अगर आपकी किडनी गई है तो दूसरी दो डलवा गए तो भी वो नहीं बचेगी, क्योंकि वो तो डिजीज है वो नहीं ठीक किया आपने, बाबा कहते हैं कारण का निवारण करो, और कारण डायबिटीज और निवारण आप किडनी को कर रहे हैं, बाकी तो सारी बातें हेल्थ के रिलेटेड है, ये सारे जो रोग है उसका बेसिक कारण तो हमारा मन ही है, वो तो बाबा हमारी ट्रीटमेंट करता है, लेकिन फिर भी हमें हर चीज कंट्रोल में रखते हैं। अभी और भी कुछ बातें हो तो, जैसे कोई आपको लगा आपको कुछ
छिलक गया, कहीं एलर्जी हो गई, किसी को खुजली आती है, ये सब बातें थी। आपको सीधा स्किन डिजीज के पास नहीं जाना है, सीधा स्किन के डॉक्टर के पास नहीं जाना है, अपने डॉक्टर के पास जाना है, अपनी जांच करनी है मुझे क्या क्या खाने से एलर्जी होती है। एलर्जी डिजीज बहुत बड़े आजकल, ये जो कुछ भी प्रोटीन की चीज़ें खा लेते हैं, बार बार पनीर खाते हैं, बार बार वो चीज़ खा लेते हैं, कहीं भी दूध पी लेते हैं, ये अच्छा वाला दूध है, ये वाला दूध है, ये पैक दूध है, ये पता नहीं क्या क्या होता है, लेकिन उसमें कईयों को एलर्जी होती है, कईयों को खट्टे की एलर्जी होती है, और कई को एटमोसफेयर की एलर्जी होती है। तो कुछ एलर्जी डिजीज भी ऐसे हैं, लेकिन आपको जाँच करनी है, खुद ही चेक करना है। एक पेशेंट को देखा था, वो पैसे वाली थी, गई बेचारी एलर्जी के डॉक्टर के पास, क्योंकि बहुत समय से ठीक नहीं हो रही थी। उसने सारा एलर्जी टेस्ट किया, उसको हरी मिर्च की एलर्जी आई, हरी मिर्च की एलर्जी, और उसने उसने इतने इंजेक्शन लिखे, वो मेरे पास सिर्फ इंजेक्शन लगवाने आती थी, इसलिए मुझे उसके बारे में पता था कि उसको हरी मिर्च की एलर्जी। अब हरी मिर्च कहाँ ना डाले, बाहर तो खा ही नहीं सकते, वो तो बड़ी दिखे हैं, बाहर नहीं खाएंगे। तो हरी मिर्च की एलर्जी आप कैसे ढूंढोगे अपने से? तो रिपोर्ट कराने में तो 20-25 हज़ार रुपये लग जाते हैं। तो इससे अच्छा है कि हम उसमें फिर हम होम्योपैथिक दवाई देते हैं। ज़्यादातर एलर्जी डिजीज में स्किन डिजीज है, जैसे खरजपुर है, वो खुजली ज़्यादा होती है, किसी को चमड़ी निकल जाती है, ब्लैक हो जाता है, दागे हो जाते हैं उसमें, या पिंपल्स बीमारियों का प्रॉब्लम होता है उसमें, ज़्यादातर हम एलोपैथिक मेडिसिन कम देते हैं, होम्योपैथिक ज़्यादा देते हैं। और कई बार तो क्या होता है कि ये बाल झड़ने का, ये 90% के बाल झड़ते ही रहते हैं, उसमें फिर कुछ डेफिशिएंसी होती है, कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, कई बार उसके साथ कुछ और प्रॉब्लम होते हैं, जैसे वो बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिसके नाम मैं नहीं बताऊँगी आपको, क्योंकि वो कॉमन नहीं है, लेकिन वो बड़े बड़े लोग जो होते हैं उसमें बाल झड़ते हैं, और सिंपल हमारा खून कम है तो भी बाल झड़ते हैं। तो दोनों को डॉक्टर ही अलग कर सकता है, आप नहीं कर सकते कि मैं सिर्फ बाल में शैम्पू लगा दूं, नया जो एडवर्टाइज किया था वो शैम्पू लगा दूं और मेरे बाल जल्दी बंद हो जाए, वो नहीं होगा, क्योंकि वो अंदर प्रॉब्लम है, और बाहर का आप देख सकते हो। वही बात आती है आध्यात्मिकता की, प्रॉब्लम हमारी मन में है और हम तब को ठीक कर रहे हैं, है ना। प्रॉब्लम हार्ट में है, छेद है, हार्ट ब्लॉक है, ब्लॉकेज हार्ट में है, लेकिन यहाँ पे आपकी कमी है। सारे ऐसे हैं जैसे मैंने बोला है, ये अभी नेक्स्ट टाइम हम कभी भी मिलेंगे तो इसके ऊपर कराएंगे कि हमारे शरीर में जो मुख्य सात जो अंग है हमारे शरीर के अंदर, ये मगज, चेहरा, हार्ट मतलब हृदय, लंग्स यानी फेफड़े, पेट, हाथ पांव, चमड़ी, ये सबसे रिलेटेड हमारे सात गुण हैं, और उन सात गुणों का योग अलग अलग रीति से करते हैं तो वो डिजीज ठीक होते हैं, और उन गुणों की कमी के कारण वो रोग होते हैं। कई को सिर्फ बाधा ही दर्द करता है, कई पर हार्ट अटैक आता ही रहता है, एक आया दूसरा आया तीसरा आया, क्यों आया ये नहीं पता। तो ये सारी बातें हम कभी भी जब वापस मिलेंगे, कभी भी कोई क्लास रखेंगे तो उसमें हम अपनी ये भी बातें बताएंगे, थोड़ी फिजिकल बातें जो बाकी रह गई होगी वो भी बताएंगे, और ये भी कराएंगे। लेकिन आप लोगों को अभी कुछ पूछना है वो अभी पूछ सकते हैं, अभी हमारे पास है 5-10 मिनट, हम बात कर सकते हैं, किसी को कुछ भी पूछना हो, जैसे पीरियड के बारे में, या रेगुलर नहीं है, इरेगुलर है, वो भी एक प्रॉब्लम है, 2-3 महीने में एक बार आता है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज डॉक्टर्स डे के निमित्त हम सबसे पहले अविनाशी सर्जन हमारे बाबा का सम्मान है, जो हम सबका सुप्रीम सर्जन है, और कभी भी हम बीमार होते हैं तो सबसे पहले हम किसको याद करते हैं, अभी तो हम उसी को याद करते हैं, है ना। डॉक्टर्स को नेक्स्ट टू गॉड कहते हैं कि भाई डॉक्टर भी भगवान है, लेकिन भगवान कौन है ये हमें पता है, तो हम जानते हैं कि कौन है। तो डॉक्टर्स का डॉक्टर्स, क्योंकि डॉक्टर्स को भी जब तकलीफ होती है, पेशेंट ठीक नहीं होता है, अब क्या करेंगे, तो क्या बताएंगे,
आईसीयू में है पेशेंट सीरियस है तो क्या बताएंगे आपको? भाई ऊपर वाले को याद करो, हम अपनी मेहनत कर रहे हैं, बाकी उसके ऊपर छोड़ दो, वो जो करेगा वो करेगा। तो कौन हुआ सबसे बड़ा? वही हुआ, और वही सुप्रीम सर्जन हमारा बाप भी है, टीचर भी है, और सदगुरु भी है, और साथी भी है, और खुदा दोस्त भी है। तो जो वो है हम वही हम मास्टर हैं, है ना, वो मास्टर है और वो पिता है, हम बच्चे। तो समझना कि आज जो भी हम सुनाएंगे आपको स्वास्थ्य के संबंधित कुछ बातें, जैसे घर में बैठे हो कोई बातें सुना रहे हैं, वैसी साधारण लेकिन बहुत जरूरी। कई बार ऐसी बातें होती है जो हमें पता होती है लेकिन हम उस पर इतना ध्यान नहीं देते, तो ऐसी कुछ बातें मुझे आज आपको बतानी है। क्योंकि मैंने ये भी सोचा था कि अगर आप लोगों को भी कुछ सवाल जवाब हो तो फिर ऐसा हो तो नेक्स्ट टाइम नहीं तो इस समय भी आप लिख के लास्ट में बता देना कि आपको अगर कुछ पूछना है किसी डिजीज के संबंधित या किसी भी अपनी बीमारी के संबंधित कोई सवाल हो तो बता देना, इसके लिए कुछ सवाल पूछनी हो। अभी सबसे पहली बात ये है कि ये जो स्वास्थ्य कहते हैं, हेल्थ या स्वास्थ्य जो कहते हैं, वो स्वास्थ्य चार प्रकार का है। जब भी हमें पढ़ाते हैं तो चार प्रकार का स्वास्थ्य ध्यान रख के ही उसको ठीक करने के लिए समझाते हैं। एक है शारीरिक, एक है मानसिक, एक है सामाजिक और चौथा आध्यात्मिक। शारीरिक स्वास्थ्य माना शरीर के संबंधित बीमारियां, मानसिक माना जो अभी बताया ना मानसिक बीमारियां, जैसे चिड़चिड़ापन है, टेंशन है, अच्छा नहीं लगता है, घबराहट होती है, डर लगता है, ये है मानसिक। फिर है सामाजिक। सामाजिक हेल्थ क्या है? हमारी किसी से नहीं बनती, हम अकेले ही रहते, अगर किससे बोलने गए तो लड़ पड़े, अकेले रहेंगे इतने बड़ी दुनिया में अकेले रहेंगे, ये है सामाजिक स्वास्थ्य। मैं बहुत ऊपर ऊपर से बता रही हूँ। और आध्यात्मिक तो पता ही है आप लोगों को, आप सब तो आध्यात्मिक से तो हेल्दी हो ना हेल्दी। आध्यात्मिक हेल्थ क्या है? अपने को आत्मा समझ, परमात्मा को याद करना, ठीक है, और बाबा जो कहता है वो करना है। तो आध्यात्मिक रीति से तो हम तैयार हैं, और कई बार हम उसमें भी लूज हो जाते हैं क्योंकि हमें शारीरिक हेल्थ क्या है वो नहीं पता। तो जो मैंने सोचा था आप लोगों के लिए कि कुछ टिप्स ऐसी समझाऊं, कुछ बेसिक बातें हैं, उसमें सबसे पहली बात ये है कि अगर आपको कुछ होता है, सर्दी खांसी जुकाम बुखार कुछ भी होता है, पेट दर्द होता है, सर दर्द होता है, थोड़ा थोड़ा होता है तो ठीक है, बाकी थोड़ा भी ज्यादा होता है तो अपने आप खुद डॉक्टर नहीं बनते। पहली बात, किसी डॉक्टर के पास जाओ, जैसे धीरे समझ रहे हैं, अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाओ, उनसे सलाह मशवरा करो, उनको जो दवाई दे वही खाओ। पहली बात, खुद जाके डॉक्टर नहीं बनना है, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। अभी मेरा रोज ही सर दर्द होता है, मैं वो पैरास्टामोल खा लेती हूँ ठीक हो जाता है, डोलो खा लेती हूँ, पैरास्टामोल से ठीक नहीं होता डोलो खा लेती हूँ, और डोलो से ठीक नहीं होता है तो डाइक्रो खा लेती हूँ। डाइक्रो कहाँ से आया आपको तो पता नहीं, डाइक्रो क्या है? मेडिकल स्टोर वाला दिया तो वो डाइक्रो देता है तो ठीक हो जाता है, समझा? ये इसको निकालना है, पहले खुद के खुद कोई दवाई नहीं खानी। हाँ, आधी रात को बुखार आ गया और कोई डॉक्टर नहीं है तो एक पैरास्टामोल खा के बुखार उतार देना, लेकिन इससे ज्यादा दूसरे दिन जाकर डॉक्टर को दिखा देना। ज्यादा भागना भी नहीं है, ज्यादा टेंशन भी नहीं करना है, और ज्यादा इजी भी नहीं रहना है। सुबह बाबा उठाएगा ना फिर बुखार ठीक हो जाएगा, नहीं। कोरोना में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था, जब भी पेशेंट आते थे ना कोरोना के, मुझे कुछ नहीं है दीदी, मुझे थोड़ा सा डॉक्टर, मुझे कुछ नहीं है, जरा सी सर्दी है, जरा सा गले में दर्द है, और चौथे दिन वेंटिलेटर पे, मुझे कुछ नहीं है, चार दिन के बाद तो आएंगे, थोड़ा चार दिन से थोड़ा शरीर दर्द कर रहा था, भूख नहीं लग रही थी, थोड़ी थकान लग रही थी। अब ये थकान क्या है कोरोना की ये पता नहीं, लेकिन जिन्होंने समय पर ट्रीटमेंट की है वो सब बचे हैं। जो अंधेरे रहे इसको अंधेरापन कहते हैं, ये शारीरिक अंधेरापन। मुझे कुछ नहीं, मैंने देखा 90% पेशेंट ने
आपने पहला शब्द मुझे यही कहा है, मुझे कुछ नहीं है। और नहीं है तो अच्छा है ना, आप पहले बांटो नहीं तो मैं बांटती हूँ, आपको कोरोना नहीं है तो, समझ गए। लेकिन मुझे कुछ नहीं है ये कहना सबसे डिफिकल्ट चीज है। छोटी छोटी बातें बताते हैं जो रोज बरोज की सबकी तकलीफ है। रोज का काम करना होता है ना, खाना बनाना, झाड़ू लगाना, घर का काम करना, बाजार जाना, सब्जी लाना, ये कॉमन काम है। किसी को ऑफिस में जाना, नौकरी में जाना, मुझे जाना, सब कॉमन काम है। अपने रोज के काम में थकान, रोज घर पे आए थक गए, रोज घर पे आए थक गए, थोड़ा काम किया तो बहुत थक गए। अब किसी से बात करने की शुरुआत करेंगे ना, मैं तो बहुत थक जाती हूँ, पता नहीं कि पूरा दिन काम ही करती रहती, इतनी थकती रहती करती हूँ। अब ये क्या है, ये नॉर्मल है? ये नॉर्मल नहीं है, ये थकान नॉर्मल नहीं है। ये पहली लाइन जो बैठी है ना, ये कॉमन है इसमें। ये तो कल्याण है ना, सारी माताएं तो उनका शरीर बिना खून के भी चलता रहता है। किसी को भी पता नहीं है कि हमारा खून कम है। अभी देखोगी ना, कैंप करोगी ना अगर हीमोग्लोबिन का, तो 90% पेशेंट को सिर्फ हीमोग्लोबिन की दवाई लिखोगी, 10% पास हो जाएंगे बिना दवाई के। समझ गए क्या हीमोग्लोबिन क्या होता है? जो शरीर को खून, शरीर में खून की मात्रा कितनी होती है, और ज्यादातर आज माताएं बहने ही बैठी, एक ही भाई बैठे, ठीक है, बाकी तो आत्मा आत्मा सारी भाई भाई है, लेकिन शरीर में तो सारी माताएं बहने बैठी। और उनका कॉमन प्रॉब्लम है कि खून जाता है लेकिन खून बढ़ता नहीं है, ये उनकी समझ में नहीं आता। मैं एक एक को समझाती हूँ। देखो ये कुमारियां आगे बैठी है, कुमारियां ना, अब उनको 11-12 साल की उम्र में जानते हो सब पीरियड शुरू हो जाते, तो हर महीने 3 दिन 4 दिन या 5 दिन खून निकल जाता है। अब जो एक कचरा है कि जो है निकल जाता है, समझे, उसको वापस कैसे लाएंगे? एक महीना कहा चलो एक महीने में दूसरा खा लिया ठीक हो गया, तीसरे महीने, दूसरे महीने, चौथे महीने, 1 साल 2 साल 3 साल। अब ये साल आए कहाँ आए, टेंथ में आ गए, 3 साल वहाँ टेंथ में आ गए, 11वीं कक्षा में आ गए। और फिर पढ़ाई नहीं पढ़ती, हेडेक इतना सरदर्द, इतना सरदर्द कि डॉक्टर का सरदर्द हो जाए, इतना सरदर्द कुमारियों का। एक कुमारी मेरे पास थी, बहुत सरदर्द, उसके फादर मुझे ये बोले, प्रेग्नेंट हूँ, सारे पैसे वाले लोग, कि मैं MRI कराऊँ, मैं CT स्कैन कराऊँ। मैंने कहा भाई तू रुक ना, मुझे देख रहे, तुझे है क्या? कुछ नहीं। मैंने कहा रुक जा, मुझे 3 महीना आए उनकी गोली उसको देने दे, फिर उसका हेडेक चालू रहेगा तो जो कहेगा साइड इफेक्ट करके भी सारा रिपोर्ट करा देंगे। ऐसा नहीं कि रिपोर्ट नहीं कराने, लेकिन पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट देखकर देखना है। थोड़ी दवाई से अगर हम ठीक होना शुरू, पूरे ठीक नहीं होंगे, थोड़े ठीक होंगे, तो फिर ज्यादा दवाई करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। अब वो लड़की को आज तक अभी हेडेक हुआ ही, अभी भी वो महीने में 10 दिन खाती, मेंटेनेंस डोज चलता है उसका। मेंटेनेंस डोज क्या होता है, लॉस को कवर कर देगा। आप घर में गेहूँ भरोगे, चोखा भरोगे, क्या कहते हो उसको, सब्जी लाओगे, अब 1 हफ्ते की सब्जी लेकर आएगा कि 1 महीना थोड़ी चलेगी, फिर इस घर में सब्जी नहीं है, सब्जी लाई नहीं तो कहाँ से होगी? समझते हो इतनी सिंपल बात को, मैं बहुत साधारण शब्दों में समझा रही हूँ। कोई भी ये ना कहे कि समझ नहीं आए, वो हाथ उठाए, समझते हो? घर में चीज नहीं है और आप कहते हो है ही नहीं, कहाँ से होगी, लाएगी अब। जब आपका लॉस हुआ है और आप उसको कवर ही नहीं कर रहे हो, फिर कंप्लेन करते रहते हो, बहुत कॉमन कंप्लेन है। एक तो कब्जिया, कॉन्स्टिपेशन जिसको कहते हैं, पेट साफ नहीं आता है, गैस बनता है, खाना ही नहीं खाना, मन ही नहीं करता, भूख ही नहीं लगती, सिर्फ ठंडा ठंडा खाना है। ये सुन लेना जिसको हो, ये मैं सिम्टम्स बोल रही हूँ खून की कमी के। और चक्कर आते, सुबह उठते तो ऐसा लगता है कि जैसे आज उठना ही नहीं है, बस हो जाए, कितने चक्कर आते हैं, थोड़ा कहीं काम किया कि बहुत घबराहट हो जाती है, पहले ऐसा नहीं था। अब माताओं की बात बता रहे हैं, दूसरी लाइन, माताओं को क्या होता है, पहले ठीक होते, फिर बच्चा आया पहला, दूसरा बच्चा आया, पहला बच्चे के बाद की समझ ही नहीं, दूसरा बच्चा आ गया, फिर दोनों को संभालने में ज्यादा उसकी एनर्जी यूज होगी, संभालना तो पड़ेगा ना, घर के काम में 2 काम तो और बढ़ गए,
उनको संभालना, उनको बड़ा करना। सिर्फ सिंपल बात कि घर माता को अपने बच्चों को कम से कम एक काम तो करना है, दूध पिलाने का, है ना। सभी बहने बहुत सिंपल बात बता रही, कह रही पहले से ना, माँ का स्तनपान तो कराना पड़ता है, दूध तो पिलाना पड़ता है अपना, और वो तो सबसे अच्छी बात है हमारे लिए कि भाई एक लेडी का, एक जो माता है उसका सबसे श्रेष्ठ गुण है। लेकिन जब बच्चा दूध पीता है तो वो अपना ले लेता है, बच्चे का जो न्यूट्रिशन होता है, जो लोह तत्व होता है, खून बढ़ना होता है, कैल्शियम होता है, विटामिन होते हैं, वो उस दूध में होते हैं, तो माता से वो बच्चे को मिल जाता है। लेकिन फिर वही बात, सब्जी लेने ही नहीं गए, समझ रहे, खुद एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। इतनी सब्जी खाई, इतनी रोटी खाई, हम खाते ही हैं, लेकिन फिर भी हमारा जो लॉस होता है उसको हमने कवर नहीं किया। इसलिए नियम ये है कि हर डिलीवर माता को, जिसकी डिलीवरी हुई, जिसको बच्चा हुआ, उसको 1.5 से 2 साल तक खून बढ़ने की दवा और कैल्शियम की गोली खानी है। इसीलिए गवर्नमेंट में अगर ममता कार्ड कभी पड़ा हो, वो ममता कार्ड मिलता है पता है, ये जो आरोग्य केंद्र में ममता कार्ड मिलता है, ममता कार्ड कभी भी किसी ने पूरा पड़ा नहीं होगा, ऑफिशियली उसमें सारी इंफॉर्मेशन है, और कोई भी नहीं समझाता। ये जो दीदी अभी बोला रहे थे ना, कोई भी डॉक्टर, मैंने किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट को नहीं देखा कि 1.5 से 2 साल तक, ये हमारी बुक में लिखा है, मैं नहीं बोल रही, बुक में लिखा है 1.5 से 2 साल तक जब तक वो ड्रॉप मिला है तब तक उसको आयरन और कैल्शियम देनी है। आप आरोग्य केंद्र में जाओगे, गवर्नमेंट का जो है ना हेल्थ सेंटर, वो फ्री नहीं देगी, सबको फ्री नहीं देते, आपको फ्री नहीं देगी, वो नियम है, देना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं लेते हैं उसकी कमी के कारण, आप देखना बच्चा 5 साल का होगा, माँ की कमर में टूट जाएगी, मुझे बहुत कमर दर्द है, मुझे पैरों में घुटने बहुत दर्द करते, आप सुनना ये सब, कि बूढ़े ये कहेंगे कि हमें तो नहीं होता था, आपको क्यों होता है, लेकिन जो बूढ़ों ने दूध पिया वो हमें नहीं पिया, हम तो वो अमृत स्कूल का ही पीते हैं, वो नहीं पीते, जो उन्होंने किया वो नहीं कर सकते, वो इतना गुड़ खाते थे, गुड़ खाते ही थे, हम तो गुड़ पसंद ही नहीं, आगे को तो गुड़ ही पसंद, सिंपल गुड़ कितना सस्ता मिलता है, वो कितना खाओ क्या फर्क पड़ता। हम जब छोटे थे हमारी मम्मी खाना बनाती थी तो कहती थी कि दाल में जब गुड़, हमारे यहाँ तो मिर्जा की दाल बनती है, हम तो कड़ी मीठी दाल खाते, तो गुड़ वाली दाल खाते, जब गुड़ डालते हैं अंदर तो एक टुकड़ा अपने मुँह में डालने, ऐसे गुड़ खाने का रोटी, नहीं तो थाली में बच्चों को गुड़ रोटी के साथ गुड़ की रोटी हो या ना हो, गुड़ तो खाने का। सिंपल बातें जो बचपन से हमारे बूढ़ों ने हमें सिखाई वो हमने फॉलो नहीं की, इसलिए हम ऐसे हैं, आधे से ज्यादा लोग नीचे नहीं बैठ सकते, है ना, चेयर चाहिए, और सेंटर इतने छोटे छोटे ही पड़ जाते, कितना भी बड़ा है तो गोल्डी पैलेस बना दो, कितना डायमंड हाउस बना दो, छोटा ही पड़ता है, नीचे ही बैठना पड़ता है, है ना, डायमंड हाउस कितना बनाया है, नीचे ही बैठना पड़ता है, तो नहीं बैठ सकते बेचारे, क्या करें, कमर दर्द इतना है, समझते हैं। खास कर माता बहनों के लिए ये पॉइंट मैंने सबसे पहले निकाला। इसके बाद आता है तो उसको सप्लीमेंट कैसे करना है वो सब हम समझाएंगे बाद में, जिसको जो तकलीफ होगी उस हिसाब से समझाएंगे, लेकिन ये कॉमन बातें हैं, आप अपने लिए सोच लेना कि आपको इसमें से किसकी जरूरत है और ये आपके घर वालों को किसकी जरूरत है। तीसरी बात है जो बीपी और डायबिटीज, ये दोनों सबसे बड़े दुश्मन हैं हमारे, और इस कलयुग के राजा है, रावण राज्य के दोनों राजा हैं, और भारत उसके नंबर वन है, भारत किसी में भी नंबर वन हो या ना हो, लेकिन डायबिटीज और प्रेशर और हार्ट की डिजीज में नंबर, हार्ट डिजीज में भी नहीं, लेकिन डायबिटीज में तो हम सुनती तो पूछना ही मत, सुनतियों की तो बात ही नहीं हो सकती, ये तो फिर भी सचिन में रहते हो तो हम सूरत में रहते हो ना, कोई घर बिना डायबिटीज का नहीं, कोई घर नहीं, देखना ये हमारा नहीं होगा तो हमारे रिलेटिव्स क्या होगा, किसी ना किसी को तो होगा ही डायबिटीज। और डायबिटीज में जो नियम है वो सबसे पहला नियम ये है कि अगर मेरे घर में फैमिली में किसी को भी डायबिटीज था, मैं बच
छोटी हूँ, मेरे बाबा को था, दादा दादी को था या नाना नानी को था, बोले मेरी मम्मी को नहीं है लेकिन मेरे नाना नानी को था, मेरे बाबा को है, समझदार रिलेशन समझना। तो मुझे साल में एक बार ब्लड शुगर चेक करानी है, एक सुबह खाली पेट और दूसरी खाने के दो घंटे बाद। 100 रुपये का टेस्ट है ये, 50 रुपये में सुबह का, 50 रुपये में दोपहर का, 100 ही रुपया लगता है। लेकिन डायबिटीज हर साल में एक बार, जिसकी फैमिली हिस्ट्री है उसको साल में एक बार जरूर कराना है। अब आप जब बीमार होते हो, आपको कोई भी और बीमारी है, कमर दर्द है, पैर दर्द है, कोई भी सामान्य कुछ भी है, बुखार थोड़ा सा है, तो आपके डॉक्टर के पास जब जाओ तो डॉक्टर को रिक्वेस्ट करना, डॉक्टर साहब प्लीज जरा मेरा बीपी चेक कर लेना। डॉक्टर्स को ऑर्डर नहीं करना, वो बहुत बिजी होते हैं तो चिढ़ जाते हैं, फिर डॉक्टर अच्छा नहीं, ऐसा नहीं है। डॉक्टर साहब मेरे मम्मी को बीपी था, मेरे पापा को तो पैरालिसिस हो गया था, मैं तो बोलती हूँ ध्यान से याद रखना, मेरे पापा को तो पैरालिसिस हो गया, मेरे चाचा तो नौकरी से निकले घर पे पहुंचे उससे पहले ही चले गए, माना कुछ नहीं था, चले गए, समझते हो, चल बसे, आत्मा निकल गई शरीर से बिना कारण बिना पूछे, कुछ भी नहीं, वो ना डॉक्टर ना हॉस्पिटल ना रिलेटिव्स कोई नहीं चाहिए। ये जो फैमिली हिस्ट्री है, मैं फैमिली हिस्ट्री बता रही हूँ, समझते हो, फैमिली हिस्ट्री माना पारिवारिक समस्याएं जो है उसमें डायबिटीज, प्रेशर, थायराइड और कैंसर और टीवी, ये पारिवारिक समस्या में है। और ये सारे डिजीज ऐसे हैं जिसको हम समय पर जांच कर ले तो उसके कॉम्प्लिकेशन से हम बच सकते हैं, माना उसके जो उससे ज्यादा उससे प्रॉब्लम होती है उससे हम बच सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन समझते हो, उसके कारण जो बड़े रोग होते हैं, एग्जाम्पल देती हूँ, अगर बीपी आपको लॉन्ग टर्म तक लंबे समय तक आपको पता ही नहीं कि आपको बीपी है और अचानक से एक दिन सुबह उठे तो आपका हाथ उठे ही नहीं, हाथ इधर से इधर ही ना, पैर ही ना उठे, क्या हो गया, समझ गए, लकवा मार गया बेचारे को, नींद नहीं, कोई नींद में नहीं मार गया, बीपी था बहुत सारा, पकड़ का झगड़ा हुआ होगा और बढ़ गया होगा, किसी बात का टेंशन आ गया तो और बढ़ गया होगा, तो मगज में नस जो है वो फट गई होगी या उसमें क्लॉट हो गया होगा, जो मस्तिष्क में जो ब्लड जो जहाँ से खून की जो नदियाँ होती है जो मस्तिष्क को खून देती है, या तो वो नदियाँ एक फट गई होगी उसको हेमरेज कहते हैं, और अगर उसमें क्लॉट हो जाता है माना गांठन हो जाती है, खून जम जाता है उसमें, तो अगर इधर का जम गया तो इधर का पैरालिसिस हो जाएगा, इधर जम गया तो इधर का पैरालिसिस हो जाएगा। हमने देखा है बहुत साल तक हॉस्पिटल में जॉब की है, लोग सीधा पैरालिसिस के साथ ही आते हैं, अब उसको पूछते भाई इसको प्रेशर था, कोई दवाई चल रही थी ना, मुझे तो कभी प्रेशर हुआ ही नहीं, कभी अल्ट्रासाउंड चेक कराया था, जरूरत ही नहीं पड़ी कभी चेक कराए, और जब कराया नहीं तो पता कैसे कि आपको है कि नहीं है, समझ गए इस बात को, इसलिए रेगुलर बीपी चेकअप कराना है, समझ गए, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, किसी का वर्डिंग है, रेगुलर बीपी चेकअप कराना है, अगर भगवान करे आपको बीमारी ना हो, फिर भी अगर आप चलो कभी बीमारी नहीं रही, साल में एक भी बीमारी नहीं हुई, कुछ सर्दी जुकाम आता भी नहीं, दर्द किया कभी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं, अच्छा है कुछ नहीं हुआ, फिर भी जाओ फैमिली डॉक्टर को गोली लेकर आओ और उसको बोलो मैं जरा बीपी चेक कराओ, आपका जो चार्ज है वो ले लो लेकिन मेरा बीपी चेक करो, ऐसे ही मैं चेक करा गया ही, बस कुछ होता नहीं, कभी मन करता है कि डॉक्टर के पास जाए, नहीं डॉक्टर के पास कब जाएगा, वो डॉक्टर हो तो सुई लगा देता है, कुछ नहीं करता है, बीपी चेक कराना जरूरी है। 40 साल की उम्र के बाद हर 2-3 मास में एक बार बीपी चेक कराना है, आपकी फैमिली में हिस्ट्री हो या ना हो। अब मैंने बोला कि वो मेरा काका चल बसा रास्ते नहीं,
ऑफिस से घर तक नहीं पहुंचा। ये क्या है? अचानक बुद्धि। बाबा मुरली में बोलते रहते हैं ना, वो सबको आता है पॉइंट सभी को, है ना, अचानक मृत्यु, अकाले मृत्यु, वो सारी बातें हैं। लेकिन वो अचानक मृत्यु क्या है वो भी बच सकते हैं। एक स्टूडेंट आया था ब्रह्मा कुमारी में बालाजी रोड सेक्टर पे, तो स्वामी जी मैंने बुलाया, सिर्फ को बुलाओ, इसको पता नहीं क्या बोल रहा है, क्योंकि किसी डॉक्टर ने उसको ब्रह्मा कुमारी में भेजा था। वही डॉक्टर जो अभी आए थे हमारे प्रोग्राम में, वहाँ जो अभी होली पहले से प्रोग्राम नहीं आता महिलाओं का सम्मान वाला, उसमें भी वो डॉक्टर आया था। तो उसके पास वो पेशेंट आया, उसने उसकी फैमिली में हिस्ट्री है, उसके पापा सडन डेथ, अचानक सुनना अभी, उसके पापा अचानक मृत्यु, उसका काका भी अचानक मृत्यु, उसका भाई भी गया, छोटा भाई भी गया, बड़ा भाई भी गया, वो बीच में रहा अकेला। अब उसको डर लगने लगा, वो डॉक्टर के पास जाने लगा, भाई ये सब बंद हो रहे हैं, हार्ट अटैक है, सारे हार्ट अटैक थे, और सारे बिना ट्रीटमेंट किए, बिना हॉस्पिटल गए, या उसमें पहुंचे होंगे और तुरंत गए होंगे, तो कोई ट्रीटमेंट, ऐसा नहीं कि पैसे नहीं थे उनके पास, लेकिन खुद तो करा सकते हैं ट्रीटमेंट। तो वो उस डॉक्टर के पास गया, उसने कहा मेरे फैमिली में ऐसा है, मुझे तो बहुत डर लगता है कि मैं भी ऐसे ना चला जाऊँ। तो उस डॉक्टर को हमारे कॉन्टेक्ट में था पहले से, तो उसने कहा ब्रह्मा कुमारी सेंटर पे जाओ, हॉस्पिटल के बाजू में ही है सुरेंद्र हॉस्पिटल, तो बालाजी रोड सेवा केंद्र। तो वो आया वहाँ पे, वो डॉक्टर को एक भाई ने अटेंड किया, फिर मुझे बोला कि आप अटेंड करो। तो मैंने उसको हमारा कॉरोनरी आर्टरी डिजीज, जो हमारा डॉक्टर सतीश गुप्ता का प्रोजेक्ट है, ब्रह्मा कुमारी इसका खुद का प्रोजेक्ट है कैड का, तो वो मैंने थोड़ा बेसिक समझाया उसको, फिर उसको कहा तुम कोर्स कर लो भाई। उसने कोर्स किया और वो रेगुलर स्टूडेंट ही बना, आप ही जानते हो उसको, अभी भी सर्विस छोड़ा है लेकिन बहुत साथी से छोड़ा है, लेकिन बहुत अच्छे से बहुत सालों तक जिया। पेपर भी उसके बहुत आए लेकिन शारीरिक नहीं आए, दवाई खाता रहा, बीपी की जो दवाई उसको देते थे वो रेगुलर खाता था, लेकिन अचानक मृत्यु की हिस्ट्री, ये आपको कभी समझ भी नहीं आएगा कि अचानक क्यों चला गया। अब मरने के बाद तो मृत्यु प्रवचन ही करते हैं, है ना, शांति प्रवचन करते हैं, लेकिन हम न जाए ऐसे, उसके लिए मुझे क्या करना है? तो समझ गए, बीपी 2-3 मास में एक बार, आपको प्रॉब्लम हो या ना हो, 40 साल के ऊपर खून की जांच, अगर थकान हो तो सिर्फ हीमोग्लोबिन की जांच, वो भी 50-100 रुपये में हो जाती है, और आरोग्य केंद्र वाले तो फ्री में करते हैं, ठीक है, खून की जांच। तीसरी बात हुई डायबिटीज, जो किसी फैमिली में है, या डायबिटीज के सिम्टम्स, डायबिटीज का बताते हैं सिम्टम्स, अचानक से किसी का बहुत वजन कम होने लगा, अच्छा भला व्यक्ति एकदम से सूखने लगा, 1 किलो 2 किलो 3 किलो करके 6-6 किलो 10-10 किलो वजन कम हो गया। अब ये जो वेट लॉस है ना, एक तो अच्छी बात है ना, कोई मोटापा ठीक हो जाता है, अच्छी बात है, बिना कारण मोटापा ठीक हो जाए, बिना कारण मोटापा ठीक नहीं होता है। उसके 3 डिजीज होते हैं कॉमन, डायबिटीज, थायरॉयड, थायरॉयड में या तो वजन बहुत बढ़ जाता है या तो वजन एकदम लकड़ी जैसा हो जाता है, धुंधले लगता है, बिना दारू पिए, जैसे दारू पीने वाले धुंधले हैं ऐसे, आप पकड़ देते गुलाब भी नहीं पकड़ सकते, चाय का गिर जाएगी, वैसे थायरॉयड के पेशेंट को होता है, जब थायरॉयड का स्त्राव बढ़ जाता है, थायरॉयड का स्त्राव कम हो जाता है तो आप स्लो हो जाते हैं, स्लो हो जाते हैं माना सारे काम धीरे धीरे करेंगे, आपका फिजिकल काम भी आप थक जाएंगे, बार बार कभी यहाँ दर्द हुआ, कभी यहाँ दर्द हुआ, कभी यहाँ दर्द हुआ, हर जगह स्नायु में दर्द होता रहेगा, आपको समझ भी नहीं आएगा, कभी कोई कहते हैं गुजराती में कहते हैं फरतोवा, वो फरतोवा नहीं होता है, वो कई कई स्नायु में दर्द होते रहते हैं, फूल जाता है शरीर, मुँह एकदम बड़ा हो जाता है, सुबह सुबह उठो तो आँखों में जाते हैं बादल आ रहे हैं, मतलब आँखें सूज गई है, पानी बन गए हो जैसे, यहाँ पे हाथों में जो अंगूठी पहनते हैं वो अंगूठी टाइट हो जाती है सिर्फ सुबह, फिर दिन भर में ठीक हो जाती है। ये छोटी छोटी सिम्टम्स है थायरॉयड, उस समय अगर वो तो थायरॉयड को आपको चेक कराना चाहिए, वो हाइपोथायरॉयडिज्म माना थायरॉयड का स्त्राव कम होता है तो फूल जाते हैं, मतलब मोटे हो जाते हैं, और थायरॉयड का स्त्राव अगर बढ़ जाता है तो हार्ट एकदम जोर से, और जैसे आपको आपके सारे हार्ट बीट आपको सुनाई देगी, आपकी धड़कन आपको सुनाई देगी, वैसे एनीमिया में जैसे
खून कम होता है तो भी आपको आपकी धड़कन सुनाई देगी कि भाई धक 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 धक, कभी सुनाई नहीं देती, वैसे किसी के लिए सुनाई देती, किसी के क्यों नहीं होता, हार्ट है चालू है, हम जीता है यानी हार्ट चालू है, वो सुनाई नहीं देता, वो सुनाई देता है, थक जाते हैं एकदम, पसीना पसीना छूट जाता है। ये जो सारे सिम्टम्स हैं वो भी अलर्ट करने के लिए है कि आपको डॉक्टर के पास जाना है, खुद थायराइड चेक कराने नहीं जाना है, डॉक्टर को जो लगेगा वही वो करेगा, क्योंकि उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें होती है जो डॉक्टर आपको देख कर बताता है, समझिए। फिर प्रेशर आ गया, डायबिटीज आ गया, थायराइड आ गया, खून की कमी आ गई, ये तो सारे डिजीज आ गए, लेकिन अब उससे बड़े डिजीज में जाएंगे जो भारत देश का कॉमन डिजीज है। जैसे कहते हैं कि अगर किसी मास में आप जाते हो, बहुत लोग जहाँ बैठते हैं वहाँ टीवी बहुत इजीली फैल जाता है, अभी कोरोना तो नया नया है इसलिए कोरोना में हम मास्क पहनते हैं, फिर भी हम लूज है, कोरोना में भी मास्क पहनने में हम सब लूज है, ठीक है ना, मास्क पहनना ही है, अगर आप सोशल डिस्टेंस से नहीं बैठे हो तो क्लास में भी बिना मास्क के नहीं बैठ सकते। अगर ये कोरोना का थैंक्स है, कोरोना को थैंक्स देते हैं हम, क्योंकि कई लोगों को सर्दी खांसी जुकाम होते हैं तो भागते हैं भाई मुझे कोरोना ना हो जाए, और पैसे नहीं होते तो फटाफट तो सिविल हॉस्पिटल में इस हेल्थ सेंटर में चले जाते हैं, उनके पास टीवी की जांच तुरंत हो जाती है, उनको डाउट पड़ता है कि ये कोरोना नहीं, चलो कोरोना तो रैपिड टेस्ट कर दिया, PCR कर दिया, नॉर्मल है, लेकिन खांसी तो ठीक नहीं हो रही है, एक महीने से ज़्यादा अगर आपको खांसी आती है तो इंडिया में, भारत देश में सबसे पहला कारण टीबी है, भारत देश में, क्यों, क्योंकि हम हमेशा भीड़ में रहते हैं, हमारे घर छोटे छोटे, हम मोहल्ले में रहते हैं या अपार्टमेंट्स में रहते हैं, अब टीबी ओपन कॉक्स कहते हैं उसको, ओपन कॉक्स माना क्या, कॉक्स माना टीबी, टीबी का दूसरा नाम जिस जो साइंटिस्ट ने ढूंढा था उसके नाम से उसको कॉक्स कहते हैं, जो ओपन टीबी होता है, माना कि आप जैसे ही आप खांसोगे, एक खांसी आई आपको और मुझे टीबी है, मेरे फेफड़े में छेद है टीबी का, और टीबी का छेद में से हजारों टीबी के जर्म्स फैलेंगे और आप मेरे सामने खड़े हो, और आप में ताकत कम है माना, अभी की भाषा में इम्यूनिटी कम है, अभी है ना इम्यूनिटी बूस्टर चल रहा है सारा, तो इम्यूनिटी कम है, आप ठीक से खाते नहीं हो, आपका खून कम है, आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, तो मुझे हुआ है आपको नहीं हुआ, लेकिन कुछ दिनों के बाद अगर आपको खांसी शुरू हो जाती है, यानी आप में वो टीबी मैंने आपको गिफ्ट में दे दिया, समझिए मास्क का इम्पोर्टेंस वर्षों से था, लेकिन कोई यूज नहीं करता, अगर मास्क रेगुलर पहले से पहने होते तो इतने टीबी के केस नहीं होते, आप जाओ ना टीबी हॉस्पिटल में तो खड़े नहीं रह पाओ, देख कर टीबी पेशेंट की हॉस्पिटल में जाओगे ना तो आकर खाना नहीं खाओगे, मौत को देखा नहीं आपने इतने नजदीक से, अभी कोरोना में देख सामने सभी ने देख लिया संबंध क्या है मौत क्या है, लेकिन हमने तो वर्षों से देखा टीबी के पेशेंट, और टीबी सिर्फ फेफड़ों का नहीं होता है, टीबी इधर से उधर तक हर एक का होता है, शुरुआत फेफड़े से होती है, कभी खून से होती है, खून का टीबी होता है तो गांठें हो जाती है, अब ये छोटी सी गांठ है पता नहीं निकल आई है, वो तो वीकनेस की गांठ होती है सबको, है ना, कहते हैं ना अशक्ति की गांठ है, वो अशक्ति की गांठ नहीं होती, उसको जांच कराना ही पड़ता है, समझ गए उसको, वो टीबी हमारा कॉमन है, तो टीबी की कैसे कैसे होता है, एक फेफड़े में होता है, आपको खाना भूख नहीं लगती है, रोज शाम को बुखार आता है, थोड़ा थोड़ा बुखार, इतना बुखार नहीं कि आप डॉक्टर के पास जाओ, रोज शाम को आपको लगता है खाना नहीं खाना है, फिर अच्छा नहीं लगता है मैं सो जाता हूँ, और भूख कम हो जाती है, धीरे धीरे भूख कम होती है, थोड़ी खांसी आती है, वीकनेस लगती है, कुछ काम करने को मन नहीं करता है, तो ये जाँच होना जरूरी है, जरूरी नहीं कि सबको टीबी होगा, लेकिन जांच कराना जरूरी, ठीक है। दूसरा टीबी जो कई लोग बैठे रहते हैं, कई बार टीबी की दवाइयाँ
तो दवाइयों की बात कर रहे थे ना अभी, उस कैंप में ये बात मैंने उनसे बहुत अच्छे से बताई क्योंकि जो कैंप हमने किया था होली पैलेस में किया था, तो ऑर्थोपेडिक का कैंप था कि मैं बैठी थी साथ में पेशेंट देखने के लिए क्योंकि बहुत पेशेंट थे, तो बहुत पेशेंट जिसमें सबको ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम नहीं थे उनको जब मैंने देखा सबके बीपी चेक किए लगभग ऑलमोस्ट बहुतों के बीपी आए, कई लोग डायबिटीज की दवाई खाते ही नहीं है, कई लोगों ने जोड़ों के दर्द में या कोई गांठिया बाबी इतने डॉक्टर्स को दिखाया है कि उनको खुद को पता नहीं कि वो क्या दवाई खाएंगे। ऐसे ऐसे पेशेंट में देखे तो मैंने उनको बोला कि ये ब्राह्मणों की हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट है और इनको अवेयर करना इनको जागरूक करना बहुत जरूरी है। ब्रह्मा कुमारी इसका जो विंग्स बने हैं सबको पता है ना, विंग्स के हिसाब से हम सेवा करते हैं, मीडिया विंग है, सोशल विंग है, महिला विंग है, जैसे हमारी मेडिकल विंग है, अलग अलग विंग के हिसाब से हम अलग अलग सेवा करते हैं। और हमारी हर साल एनुअल मीटिंग होती है, अभी भी हुई है 2 साल से, बाकी तो हम करते अभी भी हुई है, जूम पे मीटिंग होती है कि क्या से सेवा का प्लान करना है। उनमें सबसे पहली बात यही होती है कि ब्राह्मणों की हेल्थ को कैसे बचाया जाए। आपको पता है डॉक्टर श्रीमंत साहु आए थे, इन्होंने वो डायबिटीज अटेंड किया था, डॉक्टर सीमन साहू आए थे, मैं उस हॉल में किया था पुलिस स्टेशन के बाजू में, वो डायबिटीज का पूरा कैंप हुआ था हमारा 2 दिन का, 2 या 3 दिन का था। क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने देखा कि बहुत कॉमन है ब्राह्मणों में, क्योंकि हमें टोली तो बस खानी ही है, बाबा की है तो खानी ही है, ऐसा नहीं होता है। अपनी हेल्थ के हिसाब से आपको जो खाना है वो थोड़ा सा खाना, ज़्यादा नहीं खाना, और हो सके तो स्वीट जरा भी नहीं खाना। शुगर जिसको है उसको तो शुगर खानी ही नहीं, फिर चाय में पी ली। अभी मैं सच बताऊँ आपको, ये बात याद आ गई मुझे वापस कि अभी अभी एक क्योंकि प्रैक्टिकल बातों से फर्क पड़ता है, आपको भाषण देने का कोई मतलब नहीं। अभी एक डायबिटीज का पेशेंट आया था 2-3 दिन पहले, उसकी वाइफ मेरी हॉस्पिटल में नर्स थी पहले, वो मेरे पास ही आती है क्योंकि किसी ने बोला कि इसको तो बहुत प्रॉब्लम है, आप किसी डॉक्टर को दिखाओ बड़े को, तो कहते मैं सिर्फ इनको पूछती हूँ पहले फिर जाती हूँ। उसको आँख में दिखना कम हो गया, वो क्या काम करता है, उसका हस्बैंड ड्राइवर है और ड्राइविंग करता है किसी कंपनी में किसी भाई का, सुबह से शाम तक ड्राइविंग ही करने का, उसको और कोई काम नहीं आता है और उसको एक आँख में कम दिखाई देता है। अभी उसको लाइसेंस मिलेगा नहीं मिलेगा, वो गाड़ी चला रहा है, लाइसेंस देने वाले 2 नंबर पे जाकर लेकर आते हैं, लेकिन क्या उसको दिखाई देगा, तो उसको कम दिखाई देने लगा। तो आई तो पहले आई चेकअप कराने के लिए आपके डॉक्टर को दिखा, तो ये तो डायबिटीज के कारण है, तो डायबिटीज चेक कराया तो टोटल ही अनकंट्रोल 300-400 आ गया। मैंने कहा तुमने दवाई का क्या किया, मैं तो खाता हूँ दवाई खाता है, चलो मैंने लिखी वो खाता हूँ, लेकिन चाय चाय तो मेरे को आदत है, मैं ड्राइविंग करता हूँ 7-8 बार चाय पी ही लेता हूँ, अब बाहर कौन पिलाएगा आपको बिना शक्कर की चाय, और घर में कोई चाय में शक्कर मत डालना, शक्कर मत डालना, और घर वाले के चाय अलग बनाएंगे बिना शक्कर की चाय, बिना शक्कर वाली चाय, बिना शक्कर की गोली, सब कुछ बनाएंगे। अब तो मिलता है शुगर फ्री भी मिलता है पाउडर, उसकी भी मिठाइयाँ बनाएंगे, घर ही खाएंगे तो शुगर फ्री की खाएंगे, और वो बाहर जाके वो 8 बार चाय पी के आता है, अब क्या होगा, आपका प्रोफेशन ही आपका दुश्मन बन गया, आपको और तो कुछ आता नहीं, अब कुछ नया सीखो, आपकी जगह हर जगह पड़ती है। मैंने उसको बोला मैं उसको बोल दिया सीधा, जब जब ये है ना मेरा कूड़ा कूड़ी चित्र है, जानते हैं सारे लोग जो मेरे पेशेंट है सब बहुत अच्छे से जानते हैं, आप बनोगे तो बदल जाओगे, सीधा कह दिया सीधे सब होते, अगर 6 मास में चाय पीना बंद नहीं किया तो एक आम चली जाएगी और तीसरे 6 मास में दूसरी चली जाएगी, तो बहुत मैं कर देखू। ये डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन है जो मैं शुरू में बोल रही थी कि कॉम्प्लिकेशन माना डायबिटीज के कारण दूसरे अंगों को क्या नुकसान होता है, डायबिटीज इधर से नीचे तक माथे से पैर तक परेशान करता है, किसी को नहीं छोड़ता, डायबिटीज वाले कभी मरते नहीं जल्दी, उनको हार्ट अटैक जल्दी नहीं आता कि हार्ट अटैक आया मर गया, ऐसा नहीं होता, उनको हार्ट अटैक की पता नहीं चलता क्योंकि उनको कभी दर्द नहीं होता। डायबिटीज के पेशेंट को अगर हार्ट अटैक आता है तो
जैसे हार्ट अटैक पेशेंट देखा है ना आपने पिक्चर में, वो जोर से बहुत शांति से दर्द होगा, किसी को सुना भी होगा, इतना दर्द होता है हार्ट में कि आप रुक ही नहीं सकते बिना डॉक्टर के, इतना हार्ट अटैक का दर्द होता है। और डायबिटीज के पेशेंट को होता ही नहीं, क्योंकि उसके सारे जो दर्द होने के जो तंतु होते हैं ना, ज्ञान तंतु, शरीर के जो नर्व्स कहते हैं इंग्लिश में, वो मर जाती है। तो ज्ञान तंतु मरने के कारण कहीं भी दर्द पता नहीं चलेगा। अब उसके वो अंगारे वाले जो होते हैं, वो अंगारे पर चलने वाले नहीं होते, अंगारे पर चला देगा डायबिटीज कंट्रोल में नहीं होगा, अंगारे पर चल के आ जाएगा पैर जला के आ जाएगा तो पता नहीं चलेगा। आप देखे थे सुबह, भाई तुम्हारे पैर को क्या हो गया, जल कैसे गए, मुझे कुछ नहीं होता है, मुझे कोई जला वाला पता नहीं चलता, उसको सुई लगाओ या अंगारे पर चला दो पता नहीं चलता है। क्यों? ज्ञान तत्व मर गए, किसको, डायबिटीज जो कंट्रोल में नहीं होता है, जो खाते रहते हैं टोलियां खाएंगे, चाय पियेंगे, किसी को मिले तो खा लिया, वो नहीं करना है। ज्ञान तंतु मर जाते हैं पहला सिम्टम, तो धीरे धीरे पता चलता है कि हमारे ज्ञान तंतु यानी खाली चढ़ते जैसे कहते हैं ना, खाली खाली लगता है, झटके में तो फिर ठीक होता है, पैरों में खाली चढ़ जाती है, हाथों में खाली चढ़ जाती है, सभी लगभग सभी माताओं को होता है। वो पेशेंट डॉक्टर के पास नहीं जा रहा, उसमें क्या, वो तो होता है, हर एक को होता है, तो मुझे भी होता है, उसमें क्या, ऐसा नहीं है। उसका पहला सिर्फ उसका पहला कारण अभी के समय में डायबिटीज आपको नहीं है, पहला कारण बी12 डेफिशिएंसी, विटामिन बी12 की कमी होती है, तो ये झुनझुनाहट होती रहती है सबको, और पता नहीं थाली पकड़े के रख, अब आधा घंटा थाली पकड़ के रखेंगे या चमचा, किसी में बहुत ज़्यादा हिलाने का काम है हमारा, यदि इसको हिलाया बगैर नहीं चलेगा, जैसे हम सीरा बनाते हैं हलवा बनाते हैं, हिलाया बगैर नहीं चलेगा तो जल जाएगा, हिलाना तो पड़ेगा, हिलाते हाथ है कि नहीं ये नहीं पता चलेगा, ऐसा होता है, ये बहुत कॉमन बातें हैं, है ना। तो लेकिन वो कुछ ठीक हो जाता है ना, छोड़ देते हैं, सीधा कर देते हैं तो ठीक हो जाता है। तो ये जो चुनचुनाहट है वो सारे ज्ञान तंतु की है, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। लेकिन उसमें कई बार पेशेंट हमारे पास आते हैं कि हमारे पैरों में बहुत चुनचुनाहट है, एक पेशेंट था अभी बात है, बहुत जलन, जैसे पैरों में अंगारे रखते इतनी जलन होती है, पैर नीचे ही नहीं रख सकते, एक ही सिम्टम पूरी रात नींद ना, अब आपको तो पैरों में जलन होती है ना, आप सो ही नहीं पाओगे, इतनी भी नींद की गोलियां खा लो तो जलन आपको सोने नहीं देगी, इतनी जलन होती है। मैंने कहा तो जलन क्यों होती है, कुछ तो है नहीं पैर में ना, कुछ काटा वाटा कुछ नहीं है, कैसे जलन पकावा नहीं पड़ जाते, वो कट जाता है पैर ठंडी में, वो कुछ नहीं है, ले जाता है, फिर उसकी दवाई खाने में सब तकलीफ होती, हम तो अपनी दवाई खाएंगे नहीं। ये ऐसी बातें हैं जो आपको कभी कोई नहीं बताएगा, उनकी जो बहुत अच्छी भावना थी इसलिए मैंने पूरा सोचा कि मैं इनको क्या क्या, क्योंकि वो मेरा रूटीन है, उनको बोला आपको कुछ नहीं करना है, आपका रूटीन है, उनको उनको पता है कि ये मेरा रूटीन है, कि मैं सबको समझाती हूँ ये सारी बातें। डायबिटीज में एक तो मैंने कहा पैर की सेंसेशन चले जाते हैं, माना नवज्ञान तंतु चले जाते हैं, अभी उसमें आपको खीरी लग गई, कभी लग जाती है ना अपनी चप्पल की खीरी लग जाती है, कभी रास्ते में खीरी लग गई आपको लगा सब छोटी सी खीरी लग गई क्या है, लेकिन वो खीली आपका पाँव लेकर जाती है, अगर आपको डायबिटीज पाँव कटेगा ही कटेगा, अगर कंट्रोल में नहीं होगा पक्का तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और एक्सीडेंट किसी का कभी भी हो सकता है, अब कभी भी कोई गिर सकता है तो थोड़ा सा तो लग जाएगा, छिलक तो जाएगा ना, ज़्यादा नहीं लगेगा तो वो भी यूज नहीं आएगी, तब पता डॉक्टर के डायबिटीज चेक करो। ऐसे ही हुआ था एक पेशेंट, सारे पेशेंट याद आते हैं अभी आपसे बात करते करते, इतना बड़ा कि बाजू में से उसके पैर से कार चली गई है, पता नहीं क्या चला गया, दूसरा होंडा चला गया शायद, और इतना बड़ा घाव पैर में, सारे मसल दिखे नीचे से, और वो कह मैं जाओ ही नहीं डॉक्टर के पास, दूसरे आपको जो करना है करो, मैं इसका ड्रेसिंग कब करूँगी, मैं कराया उसे मेरे से नहीं,
रास्ते में सोते और चला गया था, कोई लेकर कहीं चला गया, तो वहां जहां गया उस डॉक्टर ने पहला काम डायबिटीज चेक करने का, पहले खून बंद नहीं किया मेरा डायबिटीज चेक, समझते हो कितना इम्पोर्टेंट है ये बात। उसी दिन पता चला कि उसको डायबिटीज है और उसका एक्सीडेंट। 3 मास तक तो मैंने ड्रेसिंग किया, पैर तो बच गया, 3 मास तक ड्रेसिंग किया मैंने, इतना तो खाप खून खाप खून किया होगा, और फिर उसने खुद थोड़ा खुद ही किया विकास में, क्योंकि मैं उनको थम गया, मेरे को पैसे देते नहीं सकते हैं और मुझे बस आते आते नहीं सकते हैं, ऐसे कम नहीं थे उसके पास कि दिमाग ऐसा होता है ना कहीं होता, लेकिन डायबिटीज उसका आज भी कंट्रोल में है। उस दिन से मैंने उसको बोला है डाक के अच्छे से, जब आप बैठो तो तब अच्छे से समझाएंगे, क्योंकि अगर आपको समझ नहीं है ना तभी आप गड़बड़ करते हैं, अगर आपको पता है कि यहाँ से चलते यहाँ खड्डा है, बाजू वाले ने बोला है कि देखो आपके घर के पास थोड़ी सी नजदीक में खड्डा है आप देख के चलना, कि वो तो बोलती रहती है कुछ खड्डा नहीं है तो गिरोगे ना, गिरोगे ना, तो उधर बोल रहा है डॉक्टर कि डायबिटीज कंट्रोल में नहीं होगा तो आपको पैर की बहुत केयर करनी पड़ेगी, कहीं लगे नहीं, लगे तो तुरंत ट्रीटमेंट करानी पड़ेगी, आपको आंखों की जांच हर साल में एक बार करानी है, आंखों की जांच उसको रटाइना कहते हैं, अंधापन आ जाता है क्योंकि रटाइना आपके ऊपर खून जम जाता है, आपने सारी बातें सुनी होगी, लेजर ट्रीटमेंट कराने बार बार चले जाते हैं, फिर आपको किडनी फेल हो जाती है, डायबिटीज में किडनी फेल हो जाती है अगर कंट्रोल में नहीं है तो आपको किडनी के डायलिसिस पे जाएगा, पहले ट्रीटमेंट चलेगी, तुरंत डायलिसिस नहीं आता है, डायबिटीज में डायलिसिस तुरंत नहीं आता है, अगर आप केयर नहीं करोगे तो किडनी जाएगी, और वो दोनों जाती है इसलिए उसमें चेंज करने की बात नहीं है कि दूसरी किडनी डाल दे वो नहीं आता उसमें, ये बातें अलग है, किडनी किसी की एक खराब हो उसको बदले में बात अलग है, और किसी रोग के शरीर में कोई डिजीज है आपको कोई रोग है उसके कारण अगर आपकी किडनी गई है तो दूसरी दो डलवा गए तो भी वो नहीं बचेगी, क्योंकि वो तो डिजीज है वो नहीं ठीक किया आपने, जैसे बाबा कहते हैं कारण का निवारण करो, और कारण डायबिटीज और निवारण आप किडनी को कर लेते, बाकी तो सारी बातें हेल्थ के रिलेटेड है, ये सारे जो लोग हैं उसका बेसिक कारण तो हमारा मन ही है, वो तो बाबा हमारी ट्रीटमेंट करता है, लेकिन फिर भी हमें हर चीज कंट्रोल में रखते हैं। अभी और भी कुछ बातें हो तो, जैसे कोई आपको लगा आपको कुछ छिलक गया, कहीं एलर्जी हो गई, किसी को खुजली आती है, ये सब बातें कि आपको सीधा स्किन डिजीज के पास नहीं जाना है, सीधा स्किन के डॉक्टर के पास नहीं जाना है, अपने डॉक्टर के पास जाना है, अपनी जांच करनी है कि मुझे क्या क्या खाने से एलर्जी होती है, एलर्जी डिजीज बहुत बड़े आजकल, ये जो कुछ भी प्रोटीन की चीज़ें खा लेते हैं, हम बार बार पनीर खाते हैं, बार बार वो चीज़ खा लेते हैं, कहीं भी दूध पी लेते हैं, ये अच्छा वाला दूध है, ये वाला दूध है, ये पैक दूध है, ये पता नहीं क्या क्या होता है, लेकिन उसमें कईयों को एलर्जी होती है, कईयों को खट्टे की एलर्जी होती है और कई को एटमोसफेयर की एलर्जी होती है, तो कुछ एलर्जी डिजीज भी ऐसे हैं, लेकिन आपको जांच करनी है, खुद ही चेक करना है। एक पेशेंट को देखा था, वो पैसे वाली थी, गई बेचारी एलर्जी के डॉक्टर के पास, क्योंकि बहुत समय से ठीक नहीं हो रही थी, उसने सारा एलर्जी टेस्ट किया, उसको हरी मिर्च की एलर्जी आई, हरी मिर्च की एलर्जी और उसमें उसने इतने इंजेक्शन लिखे, वो मेरे पास सिर्फ इंजेक्शन लगवाने आती थी, इसलिए मुझे उसके बारे में पता था कि उसको हरी मिर्च की एलर्जी, अब हरी मिर्च कहाँ ना डाले, बाहर तो खा ही नहीं सकते, वो तो बड़ी दिखे हैं बाहर नहीं खाएंगे, तो हरी मिर्च की एलर्जी आप कैसे ढूंढोगे अपने, तो रिपोर्ट कराने में तो 25,000 रुपये लग जाते हैं, तो इससे अच्छा है कि हम उसमें फिर हम होम्योपैथिक दवाई देते हैं। ज़्यादातर एलर्जी डिजीज में स्किन डिजीज है, जैसे खरज खून है, वो खुजली ज़्यादा होती है, किसी को चमड़ी निकल जाती है, ब्लैक हो जाता है, डागे हो जाते हैं, उसमें या पिंपल्स बीमारियों का प्रॉब्लम होता है, उसमें ज़्यादातर हम एलोपैथिक मेडिसिन कम देते हैं, होम्योपैथिक ज़्यादा देते हैं, और कई बार तो क्या होता है कि ये बाल जमने का, ये 90% के बाल जमते ही रहते हैं, उसमें फिर कुछ डेफिशिएंसी होती है, कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, कई बार उसके साथ कुछ और प्रॉब्लम होते हैं, जैसे वो बहुत बड़े बड़े रोग हैं जिसके नाम मैं नहीं बताऊंगी आपको, क्योंकि वो कॉमन नहीं है, लेकिन वो बड़े बड़े रोग जो होते हैं उसमें भी बाल झड़ते हैं, और सिंपल हमारा खून कम है तो भी बाल झड़ते हैं, तो दोनों को
वो अंदर प्रॉब्लम है और बाहर का आप देख सकते हो। वही बात आती है आध्यात्मिकता की, प्रॉब्लम हमारी मन में है और हम तब को ठीक कर रहे हैं, है ना। प्रॉब्लम हार्ट में है, छेद है, हार्ट ब्लॉक है, ब्लॉकेज हार्ट में है, लेकिन यहाँ प्यार की कमी है। सारे ऐसे हैं जैसे मैंने बोला है, ये अभी नेक्स्ट टाइम हम कभी भी मिलेंगे तो इसके ऊपर कराएंगे कि हमारे शरीर में जो मुख्य सात सात जो अंग है हमारे शरीर के अंदर, ये मगज, चेहरा, हार्ट मतलब हृदय, लंग्स यानी फेफड़े, पेट, हाथ पांव, चमड़ी, ये सबसे रिलेटेड हमारे सात गुण हैं। और उन सात गुणों का योग अलग अलग रीति से करते हैं तो वो डिजीज ठीक होते हैं और उन गुणों की कमी के कारण वो रोग होते हैं। कई को सिर्फ बाधा निर्जन करता है, कई पर हार्ट अटैक आता ही रहता है, एक आया दूसरा आया तीसरा आया, क्यों आया ये नहीं पता। तो ये सारी बातें हम कभी भी जब वापस मिलेंगे, कभी भी कोई क्लास रखेंगे तो उसमें हम अपनी ये भी बातें बताएंगे, थोड़ी फिजिकल बातें जो बाकी रह गई होगी वो भी बताएंगे और ये भी कराएंगे। लेकिन आप लोगों को अभी कुछ पूछना है वो अभी पूछ सकते हैं, अभी हमारे पास है 5-10 मिनट, हम बात कर सकते हैं, किसी को कुछ भी पूछना होगा।